अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो रहमान है, रहीम है, गफ्फार है, सत्तार है, मुसब्बिहुल असबाब है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। माजे सुखन अदबी फर्म के ज़रिए तमाम मुशायरा नंबर 470 लिए मैं आपका मेज़बान कराची से नसीम के हाज़िर खिदमत। मेरी जानिब से सलाम मोहब्बत, सलाम अकीदत कबूल कीजिए। दोस्तों, आज की शाम सैयद आसिफ रज़ा रिज़वी के नाम हम मना रहे हैं और हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त शहर कराची के मोतबर हवाले, बहुत खूबसूरत शायर, बहुत उम्दा इंसान, और यकीनन ऐसे ऐसे शेर आपकी समातों में मुंतकिल करने की अल्लाह तबारक ताला ने इन्हें सलाहियत अता की है। ये मैं अपनी बात की दलील उन्हें आपके सामने, आपके रूबरू पेश करके ही दूंगा, क्योंकि शेर खुद बोलता है और शेर जो है अपना रास्ता खुद बनाता है दिलों तक। माजे सुखन अदबी फोरम के ज़रिए तमाम आज के इस मुशारे में, जहां दुनिया उर्दू के मोतबर हवाले हमारे साथ मुख्तलिफ ममालिक से शरीक होंगे, वहीं कराची स्टूडियो से सैयद आसिफ रज़ा रिज़वी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। कराची से सीनियर तरीन हमारे शायर सैयद फयाज अली फयाज, खालिद मीर और सैयद आसिफ और अहमद सईद खान साहब हमारे साथ शामिल होंगे कुछ देर बाद इंशाल्लाह। नज़र फातमी भी हमें ज्वाइन करेंगे, साहबजादा आतीफ भी हमें ज्वाइन करेंगे, फखरुल अरशाद और काशिफ अली हाशमी भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सिलसिला इंशाल्लाह ताला चलेगा आज का हमारी नशिस्त। कराची से स्टूडियो से भी हमारे दोस्त शामिल होंगे और दुनिया उर्दू के मोतबर हवाले भी शामिल होंगे। हमने आज मखसूस साहब आपको लिंक भेजे हैं और जिसका पोस्टर हमने आवेदन कर दिया था, और उस पोस्टर पर वजह यह है कि हमारी स्ट्रीम पर जो है वो ट्रैफिक बढ़ जाती है, लोड ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन में खलल पड़ता है और एक शोर और एक ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जिसकी वजह से शायरी जो है वो आपकी समातों तक पहुंचने में तकलीफ़ महसूस करती है। मैं तकलीफ़ महसूस करने की बात जानबूझ के कर रहा हूँ। वजह यह है कि अगर किसी का एक माइक भी ख़राब होता है तो वो पूरे प्रोग्राम की तबाही का सबब बन जाता है। तो हम दोस्तों से दरख्वास्त यही करेंगे कि अगर आप शामिल हो रहे हैं तो आप जहन में ये रखें कि आपको इस वक्त 72 ममालिक समाप्त कर रहे हैं, आप दुनिया की एक स्क्रीन पर मौजूद हैं और आप जो है एक अपनी सकावत, अपनी अपना कद, अपनी शख्सियत की तहरीर कर रहे हैं दुनिया उर्दू के नक्शे पर। तो लिहाजा इस बात का ख्याल रखें कि आप पूरे एहतमाम के साथ शामिल हों और यहाँ कोई ऐसी बात भी ना करें जो किसी के दिल आज़ारी का सबब बने। हम इंसान हैं, सब इंसान हैं और बशरी तकाजे हैं, गलतियाँ, कोताहियाँ, खामियाँ हो जाती हैं, मगर जानते बूझते किसी की तजहीक ना करें, अपने सीनियर्स का एहतराम करें, अपने जूनियर्स को रास्ता दें। मौजे सुखन का ये मंशूर है, एक ही मंशूर है और इस मंशूर पर हम चल रहे हैं। कोरोना ही घुटनजदा माहौल में हमने अपने सीनियर शुरा कराम असाजा बुजुर्गों के लिए चंद लम्हात कशीद किए, उनके सामने हमने पेश किया और उनके चेहरे पर मुस्कराहट लाने की कोशिश की। अल्लाह तबारक ताला ने उसका इनाम हमें इस सूरत दिया कि हम दुनिया उर्दू की सबसे बड़ी ऑनलाइन स्ट्रीम को कायम करने में, बल्कि उसके तसलसल को भी बरकरार रखने में कामयाब हुए, जिस पर अल्लाह के हुजूर सजदा रहे थे। माजे सुखन अदबी फोरम के ज़ेर एहतमाम मुशायरा नंबर 470 कुछ देर में हम उसका आगाज़ करेंगे तलावत कलाम पाक से, और फिर हम बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलदस्ता नात पेश करते हुए अपने दोस्तों का तारुफ भी कराऊंगा। यहाँ हमारे साथ कराची स्टूडियो में भी मौजूद हैं और इसके अलावा दुनिया उर्दू के मोतबर हवाले हमारे साथ शामिल होंगे। अशरफ बाबा सलाम अलैकुम कह रहे हैं जम्मू कश्मीर से। कैसे हैं अशरफ भाई? मौजे नसीमी की रुनुमाई बहुत बहुत मुबारक हो। मौजे नसीमी की रुनुमाई अशरफ भाई, या आपने बहुत पुरानी पोस्ट देखी है, शाइस्ता कंवल आली ने शायद अपनी वॉल पर उसको शेयर किया है और आपकी बहरहाल मोहब्बतें हम तक पहुँची। जम्मू कश्मीर से अशरफ बाबा सलामत रहें, और सिलसिला चल रहा है मौजे सुखन अदबी फोरम के ज़ेर एहतमाम मुशायरा नंबर 470 आज की शाम सैयद आसिफ रज़ा रिज़वी के नाम। और यकीनन आसिफ रज़ा रिज़वी हमारे शहर कराची का एक हवाला, मोहब्बत करने वाली शख्सियत, सीनियर शायर, उस्ताद शोराए कराम में आपका शुमार होता है और बहुत खूबसूरत शेर कहते हैं, और इंशाल्लाह ताला कुछ देर बाद आप समाअत करेंगे अहमद सईद खान साहब को भी, जिनकी कल शहर कराची में बहुत खूबसूरत शाम मनाई गई और बहुत ही खूबसूरत लोग वहाँ शामिल थे। और पहली बार हमने कराची में देखा कि किसी ऑडिटोरियम में जगह नहीं थी बैठने के लिए और लोग खड़े हुए थे, और ये सईद भाई की मोहब्बतें थी जो लोगों को खींच कर लाई। यकीनन शोरा कराम एक दूसरे का मान सम्मान में इजाफा कर रहे हैं और इसमें हमारे शहर की तंजीमों का भी बहुत बड़ा हाथ है। काबिल ज़िक्र है रौनक हयात और उनकी तंजीम जिन्होंने अहमद सईद खान साहब की
शाम का इनेकाद किया और बहुत खूबसूरत कामयाब शाम हम कल जो है उसको मनाया गया। इंटरनेट की सहूलियात ना थी वहाँ और इंटरनेट की वजह से हम उसे बराह रास्त दर्शन नहीं कर सके, जिसका मुझे भी अफसोस रहेगा। बहरहाल अहमद सईद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी समाप्त करेंगे खूबसूरत शायरी। खालिद मीर भी हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। खालिद मीर हंसते मुस्कुराती खिलखिलाती शख्सियत और वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज अली फयाज भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ सैयद आसिफ रजा भी मौजूद है। आइए हम मुशायरे का आगाज करते हैं तलावत कलाम पाक से, समाप्त करते हैं तलावत कलाम पाक, फिर हम आगे की जाने पाएंगे। بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. جزاك الله جزاك الله سبحان الله تلاوت کلام پاک کا ہر کل ہم نے سماعت کی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے कि हम अल्लाह तबारक ताला के बताए हुए रास्तों पर चले, सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हम लिबास बना सकें अपनी ज़िंदगी का। यकीनन मौजे सुहन अदबी फोरम अपने सिलसिले में काविशें कर रहा है, कोशिशें कर रहा है। तलावत कलाम पाक हमने समाप्त किया, अब हम नात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समाप्त करते हैं और फिर हम अपने सिलसिले को आगे की जाने पड़ेंगे। आइए समाप्त करते हैं नात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। گل از رخ تا مختار نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل ز تو مختار شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را گل از رخ تا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت حقا کے چے خوش کندہ
عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را حقا کے چه خوش کندا عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را خیات ازل دوخت بر قامت زیبا خیات ازل دوخت بر قامت زیبا در قد توی جامعه سروے چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را در قد توی جامعه سروے چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را از جامعه بیچارا رسانید سلام از جامعه بیچارا رسانید سلام بر درگاه دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را بر درگاه دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را گل از رخ تا مخ تا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل ز تو آموختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را گل از رخ تا مخ تا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عبد الرحمن جامی کا خوبصورت کلام اللہ تبارک تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ہمارے قلم کو قوت عطا فرمائے کہ ہم حق ادا کر سکیں مدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا رہیں محبتوں کو فروغ دیں ایک دوسرے کو راستہ دیں اور وسط قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یقیناً ہم اپنی زندگیوں کو گلزار کرنے میں کامیاب ہو جائیں دعا گو ہے اور سلسلے کو ہم چلاتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت اسلام آباد سے چودھری فرید احمد نے السلام علیکم فرید بھائی کیسے ہیں وعلیکم السلام نسیم بھائی آپ سنائیے اللہ کا کرم مالک کا احسان اور اس وقت جتنے احباب اسٹوڈیو میں موجود ہیں سب کو دس بدس سلام وعلیکم السلام چودھری فرید اسلام آباد سے اور شائستہ کمل علی نے ہمیں جوائن کیا ہے وزیر آباد سے السلام علیکم شائستہ کیسی ہیں وعلیکم السلام ٹھیک ٹھاک اللہ کا شکر ہے فرید بھائی آپ کو بھی سلام جی وعلیکم السلام فرید بھائی اور لو جی تانوں بھی سلام آ گیا تے تسی بھی غصہ غصہ تھک دیو جڑا وہ میں صحیح بول رہا ہوں یا غلط بول رہا ہوں معذرت ہے سلامت رہیں
और हमें ज्वाइन किया है कनाडा से, हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, और यकीनन ऐसी शख्सियत के जिनके सामने एहतरामन निगाहें भी झुक जाती हैं और दिल चाहता है सलाम करने का, मोहब्बतें पखेरने का, और बहुत ही एक मैं कहता हूँ कि मोहब्बतों का इस्तारा हमारी बहन नसरीन सैयद हमारे साथ मौजूद हैं कनाडा से। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं? आदाब और सलाम, माशाल्लाह आज बड़ी महफिल सजने वाली है लगता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सईद, कैसे हैं? आई एम फाइन आपा, हाउ आर यू? गुड। आज आज आपा आपकी टीम का और हमारी टीम का मुकाबला है। अरे वाह, पहले मुझे बताएं मेरी टीम में कौन कौन है। जो जो भी ऑनलाइन आएगा वो आपकी टीम में, जो हमारे साथ स्टूडियो में होगा वो हमारी टीम। मैं ताड़े नाल हां। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, बस फिर और की चाहिए। मैं भी आपके साथ हूं। ठीक है, देखो वॉलंटियर आ गए। फरीद भाई गाड़ी देखी, अच्छी मर्सिडीज देखी तो हमारे रक्षे से उतर गए। ठीक है बेटा। अरे अरे क्या कह रहे इस रक्षे की, इसमें तो बनता है। हाय 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 हाय। बहरहाल सिलसिले को चलाते हैं, अल्लाह ताला ऐसे ही हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता रखे और हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता रखे और और सिलसिले को हम चलाते हैं। तलावत कलाम पाक हमने समाप्त की, बार गहरी रिसालत मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलदस्ता नात पेश किया। मैं जरा अपने दोस्तों का तारुफ करा दूं और एक झलक दिखा दूं आपको। हमारे साथ मौजूद हैं फयाज अली। फयाज आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही हमारे खूबसूरत शहर कराची के, और ये मैंने थोड़ा एहतमाम किया हुआ, ऐसा नहीं है कि हम एहतमाम। सैयद आसिफ रजा रिजवी हमारे साथ मौजूद है। आसिफ भाई सलाम कहते हैं। और अभी कुछ दोस्त आने बाकी है, इंशाल्लाह ताला जैसे ही वो भी शामिल होंगे तो उन्हें भी शामिल करेंगे। नजर भाई जरा कहीं मसरूफ है और नजर भाई ने मिस कर दिया, बहुत खूबसूरत। उनकी तबीयत ठीक है? ठीक है, मैंने अभी कहा है ना, अभी मैंने कहा है नजर भाई ने मिस कर दिया, बहुत खूबसूरत पुलाव, उन्होंने सुन लिया होगा तो वो यकीनन दौड़े चले आएंगे। यार उनकी रेपो खराब ना करें। नहीं नहीं, ये देखिए बात पता है कि खालिद मीर कह रहे हैं रेपो है उनकी, उनको बोलो उनकी। अब ये तो काफी ज्यादती हो गई ना। नहीं नहीं, अब ये कराची फोरम पे तो हम कुछ नहीं कह सकते, बहरहाल इस्लामाबाद फोरम पे वो हमारे सर आंखों पर है। भाई असल में ये मोहब्बत है हमारी, नहीं इनकी बेतकल्लुफी जी, ये मोहब्बत है और हमें हक हासिल है, ये हमें हक हासिल है और ये हमें एतबार है। एक दूसरे ने हमें एतबार दिया है जिसकी बदौलत हम जो है कोई भी बात कर देते हैं, और यकीनन हमारे दिलों में मोहब्बत अदब एहतराम अपनी जगह सलामत है, जो बिल्कुल एरल डाइट से जुड़ा हुआ है वो किसी सूरत नहीं। क्या कहने, मुस्कुराना खिलखिलाना ये हिस्सा है जिंदगी का। और नसीम भाई एरल डाइट तो अब एक्सपायर हो गई। मैंने इस्तारतन इस्तेमाल किया, आप कुछ भी समझ। जी 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 जी। तो बहरहाल सिलसिले को हम जोड़ते हैं, शायरी की तरफ आते हैं। तो सिलसिला फरीद भाई ये है कि फरीद भाई आप यहाँ रहिएगा और हम जो है पहले मैं अपना कलाम बहैसियत नाज़िब आपकी समाप्त बिस्मिल्लाह, फिर फरीद भाई आपसे सुनेंगे, फिर हम स्टूडियो से एक शामिल करेंगे, फिर हम अपने ऑनलाइन जहां जो है उनसे शामिल करेंगे, इस तरह हम सुनते चले जाएंगे इंशाल्लाह। फरीद भाई, खालिद भाई ने एतराज उठाया है कि फरीद भाई को क्या खैरियत तो है, कोरोना वरोना हो गया है, जो इन्होंने मुंह ढपा हुआ है, शक्ल नहीं आ रही है सामने जरा इनकी। अल्लाह ताला आपकी दुआओं के तुफैल, अल्लाह का बड़ा करम है अल्हम्दुलिल्लाह। वो टेक्निकल इशू ये है कि जब मैं वीडियो ऑन करता हूँ तो मेरी आवाज कट जाती है। करके तो देखें आप रहन देव। कोई फरीद भाई ये बताए, कोई मना तो नहीं करता? इन्होंने बाल नहीं कटवाए। नहीं 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 नहीं, क्या किया हुआ, बाल नहीं कटवाए हुए शायद। बिल्कुल ठीक आ रही है आवाज भी। ये खालिद खालिद भाई की मोहब्बत में आज खिड़की खोल दी। बहुत अच्छा किया खालिद भाई का, शुक्रिया। बिल्कुल नहीं, आपका सलामत रहिए। आपकी इजाजत से हम मुशायरे का आगाज करते हैं, बहैसियत नाज़िम
मैं अपना कलाम शामिल करता हूँ फयाज भाई, आसिफ भाई, सईद भाई, खालिद भाई, आपकी खालिद भाई कह रहे हैं तू रहने दे मैं सुना देता हूँ। नहीं, उन्हें क्या रवायत को जिंदा रखना है। जी, रवायत को जिंदा रखना है जी। हाँ, वो कह रहे हैं रुएते हलाल कमेटी को भी जिंदा रखना है। बर्जस्तगी का जो है ना वो जवाब नहीं जनाब। माशाल्लाह। असल में आप बात ये होती है कि हमारे दोस्त हैं, हमारे अहबाब हैं, ये अक्सर मुशायरों में तो हमारी गजलें सुनते रहते हैं, वही गजलें, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ बिल्कुल एक नया कलाम शामिल करूँ। तो आसिफ भाई आपकी इजाजत है, फयाज भाई, सईद भाई आपकी इजाजत है, खालिद भाई के मैं मतलब देखिए कि मैं सोचता हूँ कि आखिर ये क्या हुआ है मुझे, मैं सोचता हूँ कि आखिर ये क्या हुआ है मुझे, जिसे बुलाया था क्यों याद आ रहा है मुझे, बुलाया था क्यों याद आ रहा है मुझे। आसिफ भाई मैं सोचता हूँ कि आखिर ये क्या हुआ है मुझे, जिसे भुलाया था क्यों याद आ रहा है मुझे, जिसे भुलाया था क्यों याद है? और मैं अपने दिल का मुसाफिर हूँ इस मसाफत में, मैं अपने दिल का मुसाफिर हूँ इस मसाफत में, किसी के हिजर ने बेगार पर रखा है मुझे, किसी के हिजर ने बेगार पर रखा है मुझे। और शेर देखिए, मेरे नसीब ने दिल की हिला के सारी जड़ें, मैं आप ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करने से बाज नहीं आऊंगा, मेरे नसीब ने दिल की हिला के सारी जड़े, मेरे निशाने पे इस बार ला धरा है मुझे, क्या कहने, क्या कहने, निशाने पे इस बार ला धरा है मुझे। और निकल रहा हूँ भाई, निकल रहा हूँ मैं अपनी हुदूद से बाहर, चल रहा हूँ मैं अपनी हुदूद से बाहर, कोई तो है जो कहानी में ला रहा है मुझे, कोई तो है कहने कहानी में ला रहा है मुझे, निकल रहा हूँ हुदूद से बाहर, कोई तो है जो कहानी में ला रहा है मुझे। बचने का हुनर पूरा है मेरे पास। जी जी जी। और शेर देखिएगा आसिफ भाई के, उगा रहा आपा, शेर देखिए, उगा रहा हूँ मैं सूरज को हिजर आंगन में, क्या कहने, उगा रहा हूँ मैं सूरज को हिजर आंगन में, अजब ये हिजर में दर पे वाहे माँ है मुझे, क्या कहने, अजब ये, उगा रहा हूँ मैं सूरज को, उगा रहा हूँ मैं सूरज को हिजर आंगन में, अजब ये हिजर में दर पेश वाहे माँ है मुझे, और किसी ख्याल की चौखट पे सिर नगूं, किसी ख्याल की चौखट पे सर निगूं होकर, किसी ख्याल की चौखट पे सर निगूं होकर, खुद अपने आप से ही इश्क हो गया है मुझे। क्या बात, क्या बात, खुद अपने ही बीमारी है ये, सबसे आसान काम है, इश्क हो गया है मुझे, किसी ख्याल की चौखट पे सर निगूं होकर, खुद अपने आप से ही इश्क हो गया है मुझे। वाह वाह वाह। और एक शेर आपा, एक शेर ऐसा है जो ये ख्याल घूम फिर के किसी न किसी रंग में, किसी न किसी रूप में बिल्कुल मेरी शायरी में आ जाता है, ये देखिएगा, कि मैं हंसना चाहूं छलकती हैं खुद ब खुद आंखें, मैं हंसना चाहूं छलकती हैं खुद ब खुद आंखें, सुनो ये खून के रिश्तों की बददुआ है मुझे, क्या कहने, वाह वाह वाह, सुनो तजुर्बा बोलते हैं, वाह वाह वाह, मैं हंसना चाहूं छलकती हैं खुद ब खुद आंखें, सुनो ये खून के रिश्तों की बददुआ है मुझे। और खालिद भाई की नजर, मैं इनकी हर बात बर्दाश्त कर लेता हूं, आपा इसका जवाब दे रहा हूं शेर में, अच्छा। आवाजें आ रही होंगी ना, क्योंकि ये भी अभी शेर सुनाने आएंगे, बेफिक्र रहे। अच्छा।
आते के साथ ही उन्होंने मुझसे कहा, नसीम तेरी कौन सी डायरी है जो तूने पढ़ी नहीं आज तक? मैंने कहा ये रही खालिद भाई। कहना यार मैं अपनी डायरी भुलाया हूँ इसलिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चाहूँ छलकती हैं खुद ब खुद आंखें, सुनो ये खून के रिश्तों की बददुआ है मुझे, और खालिद भाई आपकी नजर जुबान होते हुए इसलिए भी हूँ खामोश। अरे जुबान होते हुए इसलिए भी हूँ खामोश, अजीज आज भी ये यार सर फिरा है मुझे, खैर हो तेरी फरीद भाई, ए इश्क खैर हो तेरी तेरे कबीले की, ए इश्क खैर हो तेरी तेरे कबीले की, गमों को सहते हैं कैसे सिखा दिया है मुझे, सिखा दिया, और कहीं पे मौज नसीमी, कहीं पे मौज शराब, कहीं पे मौज नसीमी, कहीं पे मौज शराब, बना बना के मुकद्दर ने क्या कसा है मुझे। क्या बात, क्या बात, कहाँ कहाँ से काफी काफी कैसे आया ये बता रहा हूँ कि कल वो है ना वो गुड़ में नहीं चाटा बनाते हैं, गुड़ का जो चाटा बनाते हैं जी जी जी, मूंगफलियां वगैरह डाल के, वो वाइफ मूंगफलियां बना रही थी। मैंने कहा यार ये गजल एक कह रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि आखिर ये क्या हुआ है मुझे, जिसे बुलाया था क्यों याद आ रहा है मुझे। मैं ऐसी किचन में गया ना यार, मैं ये हलवा ये मैं ये कस रही हूँ, जरा ये कस लूँ फिर आती हूँ सुनने गजल। अच्छा तो अरे मैंने कसा है मुझे यार, मैंने कहा वाह बहुत अच्छा, ये अच्छा फार्मूला है नसीम भाई, जब काफिया फंस जाए तो किचन का रुख करें। और हमें इस वक्त ज्वाइन किया है हैदराबाद दक्कन से है, बहुत खूबसूरत शायर, शायर खलीज, एक नाम एक हवाला, मेरी मुराद है जलील निजामी ने। अस्सलाम वालेकुम जलील भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम नसीम भाई, तमाम हाज़रीन को आपा जो है यहाँ पर आदाब, 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 आदाब। हमारे फरीद चौधरी साहब भी हैं, सलामत रहिए, आपकी मोहब्बतें जी। और हमें ज्वाइन किया है लाहौर से किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत प्यारे दोस्त भाई कामरान नजीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सब भाइयों भाई। जलील भाई मैंने क्या किया हुआ था कि स्क्रीन बड़ी की हुई थी ना ये, तो मैं देख नहीं पाया कि नीचे, हाँ तो वो मेरी, मैं काफी देर से मैं देख नहीं पाया, अचानक मुझे याद आया मैं असल में अपनी गजल के लेकिन मैंने 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 आपकी गजल मक्ता समय ऐसा होता मुझे नहीं, वो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ जब इंसान अपनी गजल कोई पढ़ रहा होता है ना आपा, तो फिर उसको कोई और नजर नहीं आता ना, अपने आप को और उस वक्त स्क्रीन भी बड़ी कर लेता है अपने लिए। सच्ची बात की है, सच्ची बात की है। ये शायर का नहीं, शायर के कलाम के उरूज का जो मसला है। नहीं आपा नसीम भाई अक्सर कहते हैं कि साहिब सदर से ज्यादा नाज़िम के अख्तियार आते हैं। हाँ बेशक, ये मैं कहता हूँ, मैं कहता नहीं हूँ बल्कि मैं आपको साबित कर दूंगा दुनिया के किसी भी मुशायरे में, आप देखना बेचारे सदर से ऊपर के बैठे जैसे जब उनकी बारी आती है तो कुर्सियां खाली होती हैं, उनको सुना रहे होते हैं। बेशक मैं एक बात ये कहता हूँ, आज इस तवस्सुत से दुनिया में हमें समाप्त किया जा रहा है, नौजवान शोरा इकराम भी हमें समाप्त कर रहे हैं और बहुत से ऐसे दोस्त भी हमें समाप्त कर रहे हैं जो शेर सुखन से जुड़े हुए हैं। मैं ये सिर्फ एक बात कहता हूँ कि आप मशायरों में जाएं उस सूरत में जाएं जब आपके पास फुल वक्त हो, क्योंकि मुशायरे की रूह को जख्मी करने के लिए मुशायरा गाह में ना आए। मुशायरे की रूह जख्मी कैसे होती है कि आप जाएं अपना शेर सुनाएं और उसके बाद आप रुखसती कर लें वहां से, तो ये आप मशायरे की रूह को जख्मी करने के मुतरादिफ आपका अमल है। लिहाजा आप जब जाए जिस मुशायरे में जाएं तो पूरा वक्त दें और मुशायरे की रूह को तवानाई दें, और ऐसा कभी भी ना करें कि आप अपना शेर सुनाकर वहां से रुखसत ले लें। ये मैं कहता हूँ कि मुशायरे की रूह को जख्मी करने के मुतरादिफ, अगर आपको बहुत जरूरी काम है तो आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप बगैर पढ़े वहां से जा सकते हैं दो चार शोरा कराकर, बस यही बात मैं कहना चाहता था।
اور یہ بات ہم نے کی. اور چودھری فرید آپ سے میں درخواست گزاروں کہ اپنا کلام شامل مشاعرہ کریں, پھر انشاءاللہ تعالی ہم یہاں آپ اپنے اسٹوڈیو سے بھی شامل کریں گے اور ہم اس آن لائن شامل کریں گے. چودھری فرید آپ سے درخواست. جی جی جی, تمام احباب کو ایک بار پھر سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. جی جی, اور یہ ہمارے موجود کا ماشاء اللہ یہ جی بہت محبت ہے. یہ جشن جو منایا جا رہا ہے اس پر نسیم شیخ بھائی کو دلی مبارکباد. جی آپ کی اجازت دیکھیے گا, جی آپ دیکھیے گا کہ یہاں جھوٹے ہیں سب, سچی محبت کون کرتا ہے. بہت محبت, یہاں جھوٹے ہیں سب, سچی محبت کون کرتا ہے, مگر یہ بات کرنے کی جسارت کون کرتا ہے. مگر یہ بات کرنے کی جسارت کون کرتا ہے, اور یہاں کرتے ہیں شکوہ لوگ اکثر اس کی باتوں کا. یہاں کرتے ہیں شکوہ لوگ اکثر اس کی باتوں کا, مگر جب سامنے آئے مذمت کون کرتا ہے. بہت اچھے. مگر جب سامنے آئے مذمت کون کرتا ہے, اور دیکھے گا کہ سبھی کہتے برا ہیں دوسروں کو دیکھا ہے اکثر. سبھی کہتے برا ہیں دوسروں کو دیکھا ہے اکثر, مگر اپنے رویے پر ملامت کون کرتا ہے. ارے کیا کہنے فرید بھائی, کیا کہنے. ارے فرید بھائی زندہ باد. بڑی محبت ہے, بڑی محبت ہے. سبھی کہتے برا ہیں دوسروں کو دیکھا ہے اکثر, مگر اپنے رویے پر ملامت کون کرتا ہے. کون کرتا ہے. صحیح صحیح. وگرنہ مگر اپنے رویے پر ملامت کون کرتا ہے, اور چھپی ہوتی ہے اس کے پیچھے تو اپنی غرض کوئی. چھپی ہوتی ہے اس کے پیچھے تو اپنی غرض کوئی, یوں ہی لوگوں سے میرے یار الفت کون کرتا ہے. یوں ہی لوگوں سے میرے یار الفت کون کرتا ہے, اور دیکھیے ہے ان سے پیار مجھ کو اس لیے لے لی ہے بدنامی. ہے ان سے پیار مجھ کو اس لیے لے لی ہے بدنامی, کسی کے واسطے قربان شہرت کون کرتا ہے. فرید بھائی لے لی اور لیلا کے چکر سے نکلے. اچھا جی نکل گئے, شکریہ. اور دیکھیے گا کہ مجھے لگتی ہے اپنی دیکھیے ان کی پریشانی. مجھے لگتی ہے اپنی دیکھیے ان کی پریشانی, سکوں ویسے ہی اپنا ایسے غارت کون کرتا ہے. کون کرتا ہے. سکوں ویسے ہی اپنا ایسے غارت کون کرتا ہے. اور دیکھیے گا شیر کے, یقیناً اس کی باتوں نے تمہارا دل دکھایا ہے. یقیناً اس کی باتوں نے تمہارا دل دکھایا ہے, وگرنہ شہر چاہت سے یوں ہجرت کون کرتا ہے. بہت محبت ہے. بہت شکریہ. یقیناً اس کی باتوں نے تمہارا دل دکھایا ہے, وگرنہ شہر چاہت سے یوں ہجرت کون کرتا ہے. اور شیر دیکھیے جی, بہت شکریہ, آپا سلامت رہیے, کہ تمہارا شکریہ مشکل میں جو تم آ گئے ملنے. تمہارا شکریہ مشکل میں جو تم آ گئے ملنے, ارے اس دور میں دیکھو یہ زحمت کون کرتا ہے. واہ واہ, بہت شکریہ, بہت اچھے. تمہارا شکریہ مشکل میں جو تم آ گئے ملنے, ارے اس دور میں دیکھو یہ زحمت کون کرتا ہے. اور غلط فہمی جی دیکھیے گا کہ مکتے کی زحمت کے, غلط فہمی فرید ان کو کوئی بس ہو گئی تم سے. غلط فہمی فرید ان کو کوئی بس ہو گئی تم سے, کبھی پیاروں سے اپنے ایسی نفرت
कौन करता है। मुशाहिदात तजुर्बात बोल रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप, गलत फहमी फरीद उनको कोई बस हो गई तुमसे, अभी प्यारों से अपने ऐसी नफरत कौन करता है। यहाँ झूठे हैं, यहाँ झूठे हैं सब, सच्ची मोहब्बत कौन करता है। मगर ये बात करने की जसारत कौन करता है। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, सलामत रहिए। बहुत अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। कुछ हंगामा हो रहा है नसीम के पास। नहीं, वो आज सारे हंगामे इकट्ठे किए हुए नसीम भाई ने। माशाल्लाह, कैमरे को मैंने घुमाने की कोशिश की तो मेरा हाथ जो है ना, हाथ पांव। अरे नहीं, तमाम अहबाब के समातों का बहुत शुक्रिया। असल में आपा उम्र का तकाजा भी होता है ना, हाथ पांव फूल जाते हैं तो इसको दर्द। सिलसिले को हम आगे की जानी बढ़ाते हैं और मेरे पास हमारे यहाँ स्टूडियो के अंदर एक ऐसा नाम हमारा मौजूद है, मोहब्बत करने वाली शख्सियत, और हमने अहमद सईद खान साहब की यहाँ शाम भी मनाई और कराची शहर के एक बहुत ही खूबसूरत शायर हमारे अहमद सईद खान साहब हमारे दरमियान मौजूद है। और समाज कीजिएगा, क्या खूबसूरत कहते हैं, क्या से क्या हो गए गनीम मेरे, नहीं नदीम मेरे, क्या से क्या हो गए नदीम मेरे, मैं बस अहमद सईद खान रहा। उम्दा शेर पर दिली मुबारकबाद। वाह वाह वाह, ये इनकी सईद भाई की सुनेंगे हम इंशाल्लाह ताला अहमद सईद खान साहब से। और अभी हम सईद भाई कैसे हैं आप, पहले ये बताइए कैसे हैं सईद भाई आप। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र गुजार हूँ आपका भी की आपने मौका फराहम किया कि इस आलमी फोरम पे पढ़ने का मौका मिला। और तमाम दोस्तों और सईद भाई को दोहरी निस्बत से सलाम, एक तो हमारी बस में हमारे सीनियर और दूसरे मेरे बड़े भाई का नाम भी सईद है। अच्छा, और मेरे को भी एक निस्बत से सलाम, क्योंकि मैं पैदा हुआ था सईद से एक दिन पहले। और हमें भी एक निस्बत है हमारे मुकद्दर सईद। अरे वाह वाह वाह, बस हम दावत सलाम दे रहे हैं। जी जी जनाब, कलाम अपना शामिल मुशायरा करें अहमद सईद खान साहब। अता करें, मैं कई गज़लों से चीदा चीदा शार पहले सुनाऊंगा, फिर उसके बाद अगर मौका मिला जी इरशाद पहले भी सुनाऊंगा। जी जी जरूर जरूर सईद भाई। दो अशार के, सोच तक जो रसाई देता है, क्या कहना, सोच तक जो रसाई देता है कब किसी को दिखाई देता है। अरे वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, कब किसी को दिखाई देता है। घर में है आज कैसा सन्नाटा, कैसा सन्नाटा, शोर दिल का सुनाई देता। अरे क्या, बहुत अच्छा, बहुत कहने, बहुत अच्छा भाई, क्या कहने, सुनाई देता है। वाह 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 वाह, क्या बात। दो अशार और के, देखूं तो पानियों से भी गहरा दिखाई दे। हाँ कहने, देखूं तो पानियों से भी गहरा दिखाई दे, सोचूं तो उसमें वुसते सहरा दिखाई दे। अरे क्या कहने, क्या कहने, पानियों से भी गहरा दिखाई दे, सोचूं तो उसमें वुसते सहरा दिखाई दे, इन आईनों में ऐसा भी एक आईना तो हो। इन आईनों में ऐसा भी एक आईना तो हो, जो है दुरूने जात वो चेहरा दिखाई दे। अरे वाह 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 वाह, जो है दुरूने जात वो चेहरा दिखाई दे, सोचूं तो उसमें वुसते सहरा दिखाई दे। क्या कहने, क्या कहने सईद भाई। जलील भाई कुछ कह रहे हैं आप, यानी क्या अच्छा है, सोचूं, देखूं तो पानियों से भी गहरा दिखाई दे, सोचूं तो उसमें वुसते सहरा दिखाई दे, इनायतों में ऐसा भी एक आईना तो हो, जो है दुरूने जात वो चेहरा दिखाई दे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, क्या कहें, क्या बात। दो शार और हैं के, बनता नहीं सनम कोई पत्थर हुए बगैर। क्या कहने, क्या कहने,
सनम कोई पत्थर हुए बगैर, दस्ती नहीं खुशी भी कोई गम सहे बगैर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बनता नहीं सनम कोई पत्थर हुए बगैर, क्या कहने, खुशी भी कोई गम सहे बगैर, फेरी थी उसने बज्म में नजरें कुछ इस तरह, फेरी थी उसने बज्म में नजरें कुछ इस तरह, सब कुछ ही जैसे कह गया कुछ भी कहे बगैर, जश्ती नहीं खुशी भी कोई गम सहे बगैर, बज़्म में नजरें कुछ इस तरह, सब कुछ ही जैसे कह गया कुछ भी कहे बगैर, बहुत शुक्रिया। दो अशआर और के, चमन में जब कभी जश्न बहार होता है, चमन में जब कभी जश्न बहार होता है, तो कोई बूढ़ा शजर सब पे बार होता है, हाय हाय, क्या कहने क्या कहने, बहुत उम्दा, वाह वाह, तो कोई बूढ़ा शजर सब पे बार होता है, वाह वाह, करार मिलता है औरों को जिसकी महफिल में, आपकी नजर, करार मिलता है औरों को जिसकी महफिल में, ये दिल अजब है वहीं बेकरार होता है, आए 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 आए, वाह 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 वाह, क्या कहने, ये दिल अजब है वहीं बेकरार होता है, वहीं बेकरार होता है, वाह 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 वाह। इसे और दो अशआर में एक मतलब तज़मीन है कि गुलिस्तां की हर शय नजर से निहां है, गुलिस्तां की शय नजर से निहां है, मेरे चार तिनकों में कितना धुआं है, हाय 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 हाय, वाह हाय हाय, तिनकों का जवाब नहीं, वाह 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 वाह, तिनकों में कितना धुआं है, और समझ ना सका मैं कि क्या है मुअम्मा, समझ ना सका मैं कि क्या है मुअम्मा, कभी वो गुरेजा कभी मेहरबान है, हाय हाय क्या कहने, वाह वाह, क्या कैफियत बयान की है, वाह 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 वाह। जिसको रहना था बस मेरा होकर, जिसको रहना था बस मेरा होकर, रह गया एक ख्वाब सा होकर, क्या क्या वाह, एक ख्वाब सा होकर, दिल में उतरा वो एक नजर में मगर, दिल में उतरा वो एक नजर में मगर, दिल से उतरा जरा जरा, हाय 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 हाय, क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत बहुत, हाय 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 हाय, दिल में उतरा वो एक नजर में मगर, दिल से उतरा जरा 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 होकर, वाह दो साल के और के, मैं प्यार का हूँ दिल में समंदर लिए हुए, मैं प्यार का हूँ दिल में समंदर लिए हुए, और दस यार साथ में खंजर लिए हुए, और दस यार सामने खंजर लिए हुए, देखेगा कि रखा था जिन बुजुर्गों ने सबको संभाल कर, क्या चाहे, रखा था जिन बुजुर्गों ने सबको संभाल कर, गोशे में एक पड़े हैं वो बिस्तर लिए हुए, अलमिया बयान किया है सईद भाई, क्या कहने, रखा था जिन बुजुर्गों ने सबको संभाल कर, गोशे में एक पड़े हैं वो बिस्तर लिए हुए, बिस्तर, मुझसे हर बात में कहता है ये अक्सर कोई, क्या कहने क्या कहने क्या कहने, मुझसे हर बात में कहता है ये अक्सर कोई, मैं वो हूँ जिसका नहीं दहर में हमसर कोई, क्या कहने क्या कहने, मुझसे हर बात में कहता है
है ये अक्सर कोई, मैं वो हूँ जिसका नहीं दहर में हमसर कोई, अपनी ही जात के गिरदाब में घिर जाता हूँ, ढूंढता रहता है मुझको मेरे अंदर कोई। हाय वाह वाह वाह, मेरे अंदर कोई, वाह 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 वाह। ये शेर सुनिएगा आप, क्या जी 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 अताओ अताओ, हाँ हाँ पूरी सुनाए आप। और सईद भाई बदम तकदीस अदब के जो हमारे यहाँ कराची शहर में हर दूसरे इतवार को मुशायरा होता है, सईद भाई की रिहायशगाह पर मुशायरा होता है खूबसूरत, वहाँ सईद भाई निजामत करते हैं। और जब सईद भाई आते हैं तो अपने हाथ में इतने सारे कागज लेकर आते हैं और कहते हैं हजरत ये सारी गजलें इसमें से तीन चार सुनाऊंगा, परेशान ना हो। गजल का मतलब ये कह रहा हूँ कि जी जी बस वो मुझ पर ही मेहरबान रहा, बस वो मुझ पर ही मेहरबान रहा, उम्र भर ये मुझे गुमान रहा। क्या कहने, क्या अच्छी गजल है सईद भाई, वाह वाह वाह। गुमान रहा कोई दीवार दर में आमे न थी, कोई दीवार दर में आमे न थी, फासला कोई दर में आमे न थी। हाय क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, क्या कहने, वाह वाह। जिंदगी इस तरह से गुजरी है, जिंदगी इस तरह से गुजरी है, हम कदम दोस्त जब हुए मेरे, क्या कहने क्या कहने, हम कदम दोस्त जब हुए मेरे, हर कदम में एक इम्तिहान रहा। क्या कहने क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत खूबसूरत सईद भाई, क्या कहने, वाह 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 वाह, कदम में एक इम्तिहान रहा। क्या कहने आसमां पर थे कुछ सितारे, तो आसमां पर थे कुछ सितारों पे आसमान। हाय हाय वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, सितारों पे आसमान रहा, वाह 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 सईद भाई, क्या कहने, सितारों पे आसमान रहा, आसमान रहा, बहुत शुक्रिया। और मिट गया एक हवा के झोंके से, मिट गया एक हवा के झोंके से, गोया मैं रेत पर निशान रहा। हाय हाय वाह 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 वाह, निशान रहा, किस्मत है कि क्या से क्या हो गए नदीम मेरे, हाय हाय हाय, क्या से क्या हो गए नदीम मेरे, मैं बस हिम्मत से इंसान रहा। क्या कहने, बहुत उम्दा, वाह 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 वाह। सईद भाई, सईद भाई हमारे बहुत मोहब्बत करने वाली शख्सियत, मुखलिस, हमारे दोस्त, हमारे भाई, और शेर कहते हैं, शेर में डूब कर शेर कहते हैं, और यकीनन ये खासा है हमारा, और हमारी खुशकिस्मती है कि हमें अदबी तौर के ऊपर बहुत तवाना अहबाब मयसर आए। ये एक ऐसी खुशनसीबी है हमारी जिसका हम जिस सूरत शुक्र अदा करना चाहें, यकीन सुभान अल्लाह होगा, बस इसका शुक्र इसी तरह अदा हो सकता है कि हम अपने नीचों जो हमसे छोटे हैं, जो हमारे साथ होते हैं, उनके लिए हम रास्ते बनाएं, उनके लिए उनको उनका हाथ पकड़ कर चलाएं, और जो हमारे सीनियर हैं उनकी इज्जत करें। और यकीनन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, दिल दुखता है इंसानों का, हम इंसान हैं, अल्लाह ने हमें सोच ली है, और जिस वजह से दिल भी दुखता है, परेशानी भी होती है, मगर ये वक्त ही होती है, वक्त सबसे बड़ा आईना है, वो खुद दिखाता है असली चेहरे सबके। सिलसिले को हम इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ाएंगे, और मैं चाहता हूँ कि माहौल भी बना रहे और हमारे ऑनलाइन और स्टूडियो का ताल्लुक भी बरकरार रहे, और ये रिश्तेदारी कायम और दायम रहे, हंसती मुस्कुराती रहे। तो हम जो है इस सिलसिले को आगे चलाते हुए हम चलेंगे। मैं मेरा दिल चाह रहा है, जलील भाई पता नहीं क्यों मेरा दिल चाह रहा है कि हम जलील निज़ामी हमारे साथ, शायर खलीज हैदराबाद दखन से, और बहुत बड़ा हवाला एक नाम, और क्या तरन्नुम में हम जलील भाई चाहते हैं, मेरा दिल चाह रहा है कि आपसे हम तरन्नुम में एक खूबसूरत गजल समाप्त करें,
हालांकि मेरी छोटी सी छोटा सा मुंह है, उसमें एक छोटी सी जबान है, और वो छोटी सी जबान जो है ये बहुत बड़ी बात करने की जिसारत कर रही है, और ये कर भी इसलिए रही है कि आपने हमें एतमाद दिया है, आपने हमें ये भरोसा दिया है। मतलब आज से मैं भी चौड़ा हो जाऊं कि हुक्म की तामील हो रही है। चलिए भाई, क्या बात, क्या बात, अता कीजिए। बहरहाल मतलब पेश कर रहा हूँ, मुलाजा करें खास तौर पे। बिल्कुल, दश्त में फूल खिले, क्या कहने, दश्त में फूल खिले, शहर का मौसम बदला, हाय 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 हाय, वाह वाह, में फूल खिले, शहर का मौसम बदला, बेरुखी तेरी गई और न मेरा गम बदला, क्या कहने, बेरुखी तेरी गई, क्या कहने, क्या कहने, दश्त में फूल खिले, शहर का मौसम बदला, रुखी तेरी गई और न मेरा गम बदला, शेर मुलाजा करें, पेचो खम राहे तमन्ना में कई आए मगर, क्या कहें, वाह वाह वाह, पेचो खम राहे तमन्ना में कई आए, तेरे सौदाई ने फिर भी ना खमोचम खमोचम, अरे वाह 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 वाह, तेरे सौदाई ने फिर भी समोचम बदला, नसीम भाई जी जी खास तौर पे शेर मुलाजा करें, अता कीजिए, अता कीजिए, के दिए बुझते हुए जल उठे, आरज़ुओं के दिए, आरज़ुओं के दिए बुझते हुए जल उठे, बज़्म में तूने जो पहलू मेरे हमदम, क्या तुमने, वाह वाह वाह, मेरे तूने जो पहलू मेरे हमदम बदला, दोबारा आता कीजिए, दोबारा आता कीजिए, आरज़ुओं के दिए बुझते हुए जल उठे, बज़्म में तूने जो पहलू मेरे हमदम
तेरी गई और न मेरा गम बदला। बढ़िया आप वहां पर नसरी सैयदा मौजूद है, मैं पेश कर रहा खास तौर पर, अता कीजिए। आस्ताना भी वही, शौक वही, तेरे भी वही, हाय हाय हाय, आना भी वही, शौक वही, दर भी वही, आस्ताना भी वही, शौक वही, सर भी वही, दंग दर दंग है क्यों साइल मुबरम। अरे क्या बात, दर दंग है क्यों साइल मुबरम बदला। वाह वाह वाह, रुखी तेरी गई और न मेरा गम बदला। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। नसीम भाई के पास बड़े दानिश्वरान और अहले अदब मौजूद है, मैं पेश कर रहा हूँ खासतौर पर तवज्जो तमाम हजरात की। जी जी जी। पहले ए जान तगाफुल, तेरे तेवर बदले, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। ये पुरानी गजल सुना रहा हूँ जो सच्चा शेर सुना रहा हूँ। दी 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 दी। पहले जान तगाफुल, तेरे तेवर बदले, फिर चलन अपना तेरा शायर आजम। जान तगाफुल, तेरे तेवर बदले, चलन अपना तेरा शायर भाई। ये भी एक सच्चा शेर देखिए, आजकल मुशायरों में जो हो रहा है उसके तनाजुर में देखिए। सुरे तान लगाने भूल गए, क्या कहने, बेसुरे तान लगाने का हुनर भूल गए, छेड़ कर साज़े को हम, हमने जो सर गम लगाने का हुनर भूल गए, छेड़ कर साज़े को हम, हमने जो सर गम कहने। और ये शेर खास तौर पे ये तमाम महाजरीन की नजर कर रहा हूँ जो यहाँ से गए हैं, मैं मुलाजा करें, छत से हम लोग कबूतर ही उड़ाने में रहे, हाय हाय, छत से हम लोग
कबूतर ही उड़ाने में रहे तख्ते ताऊस गया हाथ से परचम परचम बदला। और गजल का आज की जहमत करें, ये भी खासतौर पे खास तनाजुर में देखिए जो है ना, मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये सर पे मुसल्लत है हरे जंगल के, क्या कह रहे हैं, ये सर पे मुसल्लत है हरे जंगल के, हैफ उस पर हैफ उस पर न कोई फील न ज़ग़म फील न ज़ग़म एड़ी सर पे मुसल्लत है हरे जंगल के, आए दिन नामों से रिसालत पर इस्लाम पर कटाक्ष होते रहते हैं, भेड़िए सर पे मुसल्लत है हरे जंगल के, हैफ उस पर न कोई फील गम। क्या कहने और मुस्ते की जहमत और काम तमाम खाक नसीम भाई आप इंतजार कर रहा हूँ भाई इस काम तमाम से क्या कहने, वाह 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 वाह, खाक सारों के कबीले का मैं वो गुर हूँ दलील, हाय 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 हाय, हक सारों के कबीले का मैं वो गुर हूँ जलील, जिसकी ताबीर ने हर ख्वाब कदम खम, क्या कहने सारों के अभिले कम वो गुर जलील, जिसकी ताबीर ने हर ख्वाब कदम खम, क्या कहने फूल खिले शहर का मौसम बदला, देर गई और न मेरा गम जितनी दाद वो बेशक और क्या खूबसूरत तरन्नुम और क्या बहुत अच्छा जिंदाबाद जलील निजामी को, इसीलिए तो शायर खलीज कहते हैं, जब खलीज की तरफ से जाने से ठंडी हवाएं चलती हैं तो फिर ऐसी ही शायरी होती है, यकीनन हमने कोशिश की है कि हम बिल्कुल एक दूसरे से रिश्ता जोड़े रखें, एक दूसरे से रابطہ जुड़ा रहे और महसूस ना हो कि हम एक ड्राइंग रूम में नहीं है, मेरी कोशिश है, एक जादू की छड़ी मेरे पास है वो घुमाता हूँ और देखना अलीगढ़ से इस वक्त हमारे सामने
सबिया सुंबल मौजूद है अलीगढ़ हिंदुस्तान से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कैसी हो लड़की? अरे नसीम भाई, बड़ी मुश्किल से जुड़ा ये आज, मालूम नहीं क्यों क्या हो गया, पासवर्ड मांग रहा था कभी कुछ, इतने में परेशान हो गई। कल पॉपुलर मेरिटी के साथ मैंने आपको देखा था और मैं, हाँ तो वो जूम पर थी ना, मैं स्ट्रीम यार्ड पे नहीं थी आज, इस कनेक्ट नहीं हो रहा था स्ट्रीम यार्ड। मैंने देखा बिल्कुल हशाश बशाश थी और बिल्कुल, और यहाँ भाई फर्क नहीं नसीम भाई वाकई में बुखार सबको चल रहा है और मैं बस मजबूरी में थी वहाँ पर भी और यहाँ, और आपके यहाँ बहुत रात हो जाती है और सब लोग डिस्टर्ब भी होते हैं। आप अभी बीमार हैं, हमारे मियाँ को दोबारा से बुखार हो गया, मेरी भी तबीयत अभी ऐसे ही है। जैन भाई को एक काम कीजिए, जैन भाई को मेरी तरफ से एक कप चाय का पिलाए, भी देखें कैसे अच्छा है। जी वो तो सब सूप वूप सब, उनको तो चिकन सूप वूप सब पिला दिया, सब कुछ कर दिया। एक बात सुनिएगा, एक बात तो है ना, सारी खुदाई एक तरफ, जो भाई एक तरफ। सही है। नसीम भाई सच, आपकी वजह से बस मैं आ गई जैसे तैसे, लेकिन हकीकत यही है कि वाकई मैं अजीब सा, और पता है कनेक्ट नहीं हो रही थी तो और परेशान के, नसीम भाई शक करेंगे कि ये नहीं आई जान के, और मैं इतनी परेशान हो गई अभी। वाली बात भी खूब कही। बड़ी मुश्किल से जोड़ा, वो पता है पासवर्ड मांग रहा था बार बार, किए क्या हो रहा था नसीम भाई, मैं तो हमेशा स्ट्रीम यार्ड पे रहती हूँ फिर भी ऐसा हो रहा था। हो जाता है कभी कभार, हो जाता है हमसे भी ना, हमसे भी एक महीने के बाद पैसे मांगता है। जलील भाई ने बहुत अच्छी गजल सुनाई, बड़े अच्छे अशआर थे, बहुत दिन बाद सुना, बहुत अच्छा लगा। आप खुश नसीब में सिर्फ पासवर्ड में जान छूट गई। नसीम भाई आपसे तो पासपोर्ट मांग रहे थे। पैसे, पासपोर्ट मांग रहे थे। बहरहाल सिलसिले को हम चलाते हैं और हमारे साथ शाइस्ता कमल आली भी मौजूद है, कामरान नजीर हमारे साथ मौजूद है। कामरान भाई का माइक थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था मगर बेहतर हो गया लाहौर से, तो मैं चाहूंगा कि हम कामरान भाई की समाप्त कर लें और फिर हम इंशाल्लाह खालिद मीर भाई को समाप्त करेंगे और फिर हम नसीर नापा आपसे भी हम सुनेंगे और हम चाहते हैं कि जुड़ा रहे सिलसिला और हमारे अहबाब भी और आप भी, एक हम बिल्कुल एक माहौल बनाना चाह रहे हैं का महसूस ना हो जरा सा भी कि हम पास ले दूरियां हैं, क्योंकि हमने कोविड के दिनों में कोशिश की है कि हमने इस बात को, इस तासुर को गलत करने की कोशिश की कि कोविड ने हमारे दरमियान फासला कर दिया, मगर अल्लाह के फजलो करम से इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाते हुए हमने इस दूरियों को, इस फासलों को मिटाया और एक ड्राइंग रूम के अंदर हमने एक टेक्नोलॉजी के जरिए हमने मुशायरों का इनेकाद किया और महसूस ही नहीं होने दिया, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि शायरों को गुमनामी की दलदल में गिरने से बचा लिया, क्योंकि अगर इस तरह से हम बैठ जाते और घरों में मुकैद हो जाते तो यकीनन बहुत से शोराए कराम सफाए हस्ती से उनका नाम मिट जाते, और यकीनन शेर शायरी करने से आप रोजाना की बुनियाद पर अगर मशक सुखन करते रहेंगे तो आपका जहन तरोताजा रहेगा और आमद भी होती रहेगी, और अगर आपने ये मशक सुखन छोड़ दी तो घास जड़ी बूटियां उग जाएंगी और फिर आने वाली शायरी, जो शायरी का जहाज है वो आपके एयरपोर्ट को देखेगा कि इस पे घास वास उगी हुई है, तो वहां में वो थोड़ी सी कबात महसूस करेगा और किसी और एयरपोर्ट पर उतर जाएगा, लिहाजा इस घास को पकड़ने। बहुत बोलते हो नसीम, काम होता हूँ बाकी, मैं भी ये कहने वाला था। बहरहाल मैंने नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा आपको, और नसीम भाई, हाँ नसीम भाई, मैं सबसे पहले तो मौजे सुखन के स्टूडियो में हमारे जो सीनियर दोस्त हैं वो मौजूद हैं, तो मैं उनको पहले सलामत पेश करता हूँ, और उन्होंने आज वक्त निकाला हमारे लिए और बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और मैं गजल से पहले ना दो अशआर सुनिएगा जरा। जी 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 जी। खाना दिल में कई जख्म नेहा होते हैं, खाना दिल में कई जख्म नेहा होते हैं,
आह भरने से कहां दर्द बयां होते हैं। आह भरने से कहां दर्द बयां होते हैं। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। खाना दिल में कई जख्म नेहा होते हैं। आह भरने से कहां दर्द बयां होते हैं। और एक शेर है जो मैंने अपने अपने लाहौर के लिए कहा है और मुझे लाहौर से क्योंकि बहुत मोहब्बत है कि शहर लाहौर तेरा तख्त मुबारक हो तुझे। शहर लाहौर तेरा तख्त मुबारक हो तुझे। मेरे गांवों में तो बस कच्चे मकान होते हैं। शहर लाहौर तेरा तख्त मुबारक हो तुझे। मेरे गांवों में तो बस कच्चे मकान होते हैं। और गजल के चंद अशआर अपने सीनियर अहबाब के लिए जी। मतला कुछ यूं है कि इस जहां में भी कहीं रंगे वफा है कि नहीं। इस जहां में भी कहीं इस जहां में भी कहीं रंगे वफा है कि नहीं। वरना क्या रंज हमें कोई खुदा है कि नहीं। वरना क्या रंज हमें कोई खुदा है कि नहीं। और ये शेर जरा समाप्त कीजिएगा कि मैंने एक रोज तेरी याद से आंखें भर ली। बहुत अच्छे। मैंने एक रोज तेरी याद से आंखें भर ली। फिर नहीं याद कोई याद रहा है कि नहीं। हाय हाय हाय। वाह वाह वाह। क्या कहें। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मैंने एक रोज तेरी याद से आंखें भर ली। फिर नहीं याद कोई याद रहा है कि नहीं। और शेर है कि मैंने लफ्जों से तराशे हैं मोहब्बत के नकूश। मैंने लफ्जों से तराशे हैं। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मैंने लफ्जों से तराशे हैं मोहब्बत के नकूश। मुझको मालूम नहीं शेर लिखा है कि नहीं। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मुझको मालूम नहीं कामरान भाई शेर लिखा की जगह शेर हुआ करके पढ़े मजा आ जाएगा। हाय हाय हाय। मैंने ऐसे कर लेते हैं कोई बात नहीं। मैंने लफ्जों से तराशे हैं मोहब्बत के नकूश। मुझको मालूम नहीं शेर कहा है कि नहीं। मुझको मालूम नहीं शेर हुआ है कि नहीं। हम तो हमने तो नसीम भाई आपकी आपकी उंगली हमने पकड़ी हुई है आपकी उंगली पकड़ी हुई है और हम तो आपके पीछे पीछे लगे हुए हैं। ये भरोसा वो कहते हैं चाहे कर्फ्यू वाले इलाके में ले जाएं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। ये मोहब्बतों मोहब्बत है मोहब्बत है। और शेर देखिएगा कि दरमियां कोई नहीं है मगर एक वहमा है। दरमियां कोई नहीं है मगर एक वहमा है। क्या पता मेरी बला को के बला है कि नहीं। वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। दरमियां कोई नहीं है मगर एक वहमा है। क्या पता मेरी बला को के बला है कि नहीं। दोनों बहुत शुक्रिया आपका। और शेर है
सरे मक्ता शेर है कि हाथ दिल पे रखो, हाथ दिल पे रखो और मुझको बताओ जाना। क्या कहने हाँ, दिल पर रखो और मुझको बताओ जाना। हाल दिल पे रखो, हाथ दिल पे रखो और मुझको बताओ जाना। मेरी चाहत में भला तेरी रजा है कि नहीं। हाथ दिल पे रखो और मुझको बताओ जाना, मेरी चाहत में भला तेरी रजा है कि नहीं। और मक्ता की जहमत दे रहा हूं कि अब तसव्वुर है फकत तेरा, जरा आके बता। क्या कहने, अब तसव्वुर है फकत तेरा, जरा आके बता। तेरी तस्वीर से कमरा ये सजा है कि नहीं। अब तसव्वुर है फकत तेरा, जरा आके बता। तेरी तस्वीर से कमरा ये सजा है कि नहीं। इस जहां में भी कहीं रंगे वफा है कि नहीं, वरना क्या रंज हमें कोई खुदा है कि नहीं। और आपकी मोहब्बतों को सलाम। कामरान भाई सरे मक्ता शेर दोबारा सुना, समाप्त कराइए। अहमद सईद खान ने आपको दादो तहसीन से नवाजा, फरमाइश किए सरे मक्ता जी। बहुत शुक्रिया, मैं पढ़ता हूँ। हाथ दिल पे रखो और मुझको बताओ जाना, हाथ दिल पे रखो और मुझको बताओ जाना, मेरी चाहत में भला तेरी रजा है कि नहीं। क्या बात है, कामरान नजीर बहुत खूबसूरत शेर। लाहौर से, लाहौर का मीठा मीठा रंग और कामरान भाई की मोहब्बतें हमें वसूल हो रही थी। मुझ पर इल्जाम लगा कि मैं बहुत कम बोलता हूँ, कोशिश करूंगा ज्यादा बोलने की। अल्लाह खैर, मैंने नहीं लगाया, मैंने कुछ नहीं कहा। कम बोलने का इल्जाम लगाए, मैं कोशिश करूंगा। बेहतर है नसीम भाई, आप ज्यादा ही बोलिए, बोले कीजिए। जलील भाई, मेरा उसमें कुछ गुंजाइश निकल जाएगी। तस्वीर जलील भाई, मेरा सॉफ्टवेयर इस तरह का है, इसमें कोई वायरस अटैक नहीं करता। क्योंकि मैं घर से सोच के निकलता हूँ कि मैं कम बोलता हूँ। अच्छा करते और हमें ज्वाइन किया है फ्रांस से। जी, फ्रांस से हमें ज्वाइन किया है शाज मलिक ने। शाज मलिक को खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाज, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। आपका बुखार उतरा, आप कैसी हैं आप? नहीं, बुखार तो मेरा उतर गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बस वो बात की जो चीजें होती हैं, बस वो चलती रहती हैं, थोड़े दिन चलेंगी, हो जाएंगी, ठीक होगी इंशाल्लाह। मान ले उम्र का तकाजा, मान ले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हम बहुत पहले मान चुके हैं, वो तो हम बहुत पहले मान चुके हैं। और क्योंकि मैं ऐसी बातें इसलिए करता हूँ, कुछ नाम का असर भी है, क्योंकि नाम मेरा जो है वो दोनों डब्बों में चल जाता है। और चलाते हैं, और इरशाद मलिक हमारे साथ फ्रांस से मौजूद है, जलील निजामी हमारे साथ हैदराबाद दक्कन से मौजूद है, चौधरी फरीद अहमद इस्लामाबाद से मौजूद है। खिड़की बंद है, जब खिड़की बंद होती है तो समझता हूँ कहीं रिपोर्ट हो रही है। फरीद भाई, खैरियत तो है, सब ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है। हाँ बस लगे रहे मेरा भाई, आपकी मोहब्बत है हमें दरकार है। शाइस्ता कमल आली वजीराबाद से, मेरे ददियाल से बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है, और यकीनन मेरे वजीराबादियों को मेरे से ज्यादा कौन जानता होगा। और मेरे अब्बू एक बार काम करते थे, मगर मैं वो बोलूंगा नहीं। कामरान नजीर लाहौर से मौजूद है, और नसीन सैयद कैनेडा से। और नसीन आपा ने मुझसे दरखास्त की थी कि नसीम भाई आप जरा कम बोलते हैं। हाँ, मैंने कहा था ज्यादा बोला करें। बिल्कुल बिल्कुल। और आपा और एडवाइस करें। हाँ, ये ऐसे ही दूसरों के मुंह में अल्फाज रखते हैं ना, इसी तरह। बिल्कुल, आप लोगों ने जो हौसला हमें दिया, उसी हौसले की बदौलत मैं फयाज भाई को बता रहा था, नसीन आपा गालिब अकेडमी जो है कनाडा के अंदर
वो और उसको मतलब उसका बेहतरीन किस्म का जिसको कहते हैं वहाँ अदबी तौर के ऊपर एक तनावर पौधा लगा दिया आपने, और उसमें आप खुद जब आप शायरी सुनेंगे नसीन आप तो मैं कह सकता हूँ कि ख्वातीन मतलब निसाई अदब के अंदर अगर हम उंगलियों पे गिने तो उनमें एक नाम इस पूरे जो कायनात है, इस पूरी जो अपनी उर्दू दुनिया है उसके अंदर एक नाम नसीन आप। ये तमाम शोरा पाकिस्तानी थे? कौन कौन से? हाँ नहीं नहीं सारे कल के पार्टिसिपेंट थे। जी जी पाकिस्तान और इंडिया के थे लेकिन यहाँ लोकल थे सब लोग इसी शहर के। ठीक ठीक नसीम आवाज चली गई, नसीम आवाज चली गई आपकी, आपकी आवाज आ रही है नसीम की आवाज? नसीम भाई की आवाज नहीं आ रही। कम आ रही बहुत। आपको कम बात करने के लिए वो खुद ही चले गए बोलती मैं अभी पलट के आएंगे आके जवाब भी देंगे। नहीं नहीं बोल रहे जज्बे से आएंगे अब आगे। वो असल में मेरे घुटने में थोड़ा सा एक लगा हुआ है चिप, वो जो है वो बार बार टकरा जाती है स्ट्रिंग जाता है जी। और सिलसिले को हम आगे की जानी बढ़ाते हैं। मौजूद सुमन अदबी फोरम के जरिए तमाम मुशारा नंबर 470। इस 470 ने मुझे पूरा अता की है कि मैं कुछ बोल सकूं, वरना तो यकीन कीजिए जब मैं पैदा हुआ था तो वहाँ वहाँ के अलावा मुझे कुछ करना नहीं आता था। और आप जो है बहुत कुछ बोल देता हूँ जी। और अब हम चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एक हवाला, एक नाम, एक शख्सियत, एक एतमाद, एक भरोसा, एक मोहब्बत का इस्तारा। मेरी मुराद है खालिद मीर हमारे दरमियान मौजूद है। मैं दरख्वास्त गुजारूँ खालिद मीर से कि अपना कलाम शामिल मुशायरा करें। दोस्त आपके साथ आपके ड्राइंग रूम में मौजूद हैं, गुफ्तगू कीजिए, अपनी अशार हमारी समातों में मुंतकिल कीजिए। यानी आपको मैं इजाजत दे रहा हूँ कि हर के अशार से हमारी तशना समातों को सैराब करें। खालिद मीर तमाम हाजरीन नाजरीन और समातीन को मेरा सलाम। समातीन समातीन और खवातीन दोनों जी बांधी तो मुझे अपना एक तारुफ याद आ गया। अरे 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 आप सुनिएगा सुनिएगा जी 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 जी। मदान हीच मदान मोहरे दास्तान मुकल्लद गुज़िश्तगान सरापा तकसीर खालिद महमूद तखल्लुस मीर मुतवत्तन हाल तय बेनजीर दिल पजीर अल मारूफ नॉर्थ आजाद कह रहा था कि क्या खूबसूरत बात कही आपने। वाह 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 आप की नजर। मैंने शायद एक महफिल में कहा था कि जब मेरा दिल धड़कता है तो मैं गजल लिखता हूँ, रू तड़पती है तो मैं जब दिल धड़कता है तो गजल कहता हूँ और जब रूह तड़पती है तो नज्म होती है। आज आपकी खिदमत है जिसका उन्वान है मेरे कमरे की खिड़की में मेरे बचपन की याद। हाय 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 पहला आप सबकी समातों के कोई असरार वाबस्ता है मेरी शब बेदारी में। हाँ वाबस्ता है मेरी शब बेदारी में निगाहें खोजती हैं फिर कोई पौधा क्यारी में। हाय 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 खोजती हैं फिर कोई पौधा क्यारी में साथ देते हैं मेरा इस क्रियाजारी में। साथ देते हैं मेरा इस क्रियाजारी में जमी आगोश वाक करती है अपनी गम गुसारी में। मेरे अतराफ आवाजें हैं मेरी अपनी बातें हैं। हाय 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 मेरे अतराफ आवाजें हैं मेरी अपनी बातें हैं मेरे कमरे की खिड़की में मेरे बचपन की यादें हैं। हाय 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 वाह वाह इश्क की दुनिया जवानी जज्ब की बातें। लड़कपन इश्क की दुनिया जवानी जज्ब की बातें फिजाएं मूंद देती हैं दरख्तों पर सजी आंखें। फिजाएं मूंद देती हैं दरख्तों पर सजी आंखें मैं जिनमें जागता हूँ भूल ना पाया वही रातें। मैं जिनमें जागता हूँ भूल ना पाया वही रातें मैं जिनकी चाह करता था न मिल पाई वही सांसें। मेरी आंखों में मेरी आंखों की रातें हैं। हाय 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 वाह 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 मेरी आंखों की रातें हैं मेरे कमरे की खिड़की में मेरे बचपन की यादें हैं
और चमकते दिन का नजारा मैं इस खिड़की से करता था। हाय 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 चमकते दिन का नजारा मैं इस खिड़की से करता था, लरसती शाम का मंजर इसी खिड़की से तकता था। दिए की लौ को जब सरकश हवाएं तोड़ देती थी, दिए की लौ को जब सरकश हवाएं तोड़ देती थी, अंधेरी रात में तारे इसी खिड़की से चुनता था। दिनों शामों शबों को चूमती मेरी निगाहें हैं, मेरे कमरे की खिड़की में मेरे बचपन की यादें हैं। ऐसा भी होता था, कभी ऐसा भी होता था, मैं नींदें ओढ़ लेता था। क्या कहने, कभी ऐसा भी होता था, मैं नींदें ओढ़ लेता था, जमाने भर के नजारों से नजरें मोड़ लेता था, मैं खिड़की बंद करके रास्ता ही तोड़ देता था। हाय 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 हाय, कभी ऐसा भी होता था, मैं नींदें ओढ़ लेता था, जमाने भर के नजारों से नजरें मोड़ लेता था, मैं खिड़की बंद करके रास्ता ही तोड़ देता था, दोनों दीवार से हर गुफ्तगू ही छोड़ देता था। मेरी झोली में बस गुमनाम नज़्मों की किताबें हैं, मेरे कमरे की खिड़की में मेरे बचपन की यादें हैं। रात्रि बन के बहुत अरसा हुआ, खिड़की से नाता ही नहीं कोई। हाय 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 हाय, बहुत अरसा हुआ, खिड़की से नाता ही नहीं कोई, पुकारे जा रही है और जाता ही नहीं कोई। हाय हुआ, खिड़की से नाता ही नहीं कोई, पुकारे जा रही है और जाता ही नहीं कोई, इसे आबाद करने पास आता ही नहीं कोई। क्या कहने, आता ही नहीं कोई, पुकारे जा रही है और जाता ही नहीं कोई, इसे आबाद करने पास आता ही नहीं कोई, शिकस्त हो गई है और बनाता ही नहीं कोई। शिकस्त हो गई है और बनाता ही नहीं कोई, इसे खालिद गिरा डालो कि बाकी चंद सांसें हैं। हाय 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 हाय, मेरे कमरे हाय खालिद भाई, गजल भी शामिल करें ना, ऐसे कैसे हो सकता है। जी तो सुनाई नहीं, जी जी जी, पहले मैं एक शेर, मुझे अभी बात करते हुए जब पंजाब के हमारे दोस्त बात कर रहे थे तो शेर याद आ गया जो सफर में हुआ था, कि जब मकान कच्चे थे हाय हाय हाय, लोग कितने सच्चे थे। हाय हाय हाय, बेशक, जब मकान कच्चे थे लोग कितने सच्चे। हाय हाय, अगर मैंने आज तक नहीं सुनाई, आज आप सबके आगे पेश कर रहा हूं, कि मतलब अगर के मुंसलिक हो गई है बदनामी, लोग बताते हैं। हाय 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 हाय, मुंसलिक हो गई है बदनामी, उंगलियां लोग अब उठाते हैं, देखने वालों खोल दो आंखें, हम तमाशा नया दिखाते हैं। हाय 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 हाय, देखने वालों खोल दो आंखें, तमाशा नया दिखाते हैं, और मिसले सहरा हुआ दिल अपना, नखल ख्वाबों के दूर बैठे दिल अपना, नखल ख्वाबों के रूट बैठे हैं, दोस्तों के लिए मगर फिर भी लफ्ज बुनते हैं, मुस्कुराते हैं। नखल ख्वाबों के रूट बैठे हैं, दोस्तों के लिए मगर फिर भी लफ्ज बुनते हैं, मुस्कुराते हैं। पाँव के वास्ते जमीन लाओ, आसमान को उठा के रखा है। पाँव के वास्ते जमीन लाओ, आसमां को उठा के रखा है। पाँव के वास्ते जमीन लाओ, आसमां को उठा के रखा है। बोझ इतना पड़ा है सीने पर, नींद से जाग जाग जाते हैं। नींद से जाग जाग जाते हैं। अच्छा है, क्या अच्छा है। और गीली मिट्टी उधार मांगी थी, तुमने तो रेत भी ना दी अपनी। क्या कहने, हाय हाय क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत क्या मिसरा थी, तुमने तो रेत भी ना दी अपनी, हमने पत्थर से दोस्ती कर ली, रोज एक पुत नया बनाते हैं। क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत तुमने तो रेत भी ना दी अपनी, हमने पत्थर से दोस्ती कर ली, रोज एक पुत बनाते हैं,
और कैसा वीरा है आज वीराना, सास को सांस ही नहीं आती। हाय 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 हाय, कैसा वीरा है आज वीराना, सास को सांस ही नहीं आती। हमसे सहरा नवर भी यारो आधे रस्ते से लौट जाते हैं। अर्ज किया नसीम आपके लिए कि जब कभी तुम हमें बुलाओगे रास्ते का सवाल। हाय हाय रामते अच्छा अच्छा वाह। जब कभी तुम हमें बुलाओगे रास्ते का सवाल उठेगा, सोच कर खुद ही फैसला कर लो जाब्ते बन के टूट जाते हैं। हाय 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 खुद ही जाब्ते बन के टूट जाते हैं। क्या कहने क्या कहने। अच्छी सुबह की ख्वाहिश में रात जब भी गुरूब होती है। हाय एक अच्छी सुबह की ख्वाहिश में रात जब भी गुरूब होती है, फूल की पत्तियों पे शबनम के कतरे अटखेलियां दिखाते हैं। हाय वाह 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 कतरे अटखेलियां दिखाते हैं। हाय हाय उस जमाने में मीर जी तकल्लुफ करता तो बहुत पुरानी गजल है कि कौन अब मीर जी को बतला आए बेखबर क्यों रहा नहीं। रहा नहीं करते लोग काम निकले तो उनके पास आए 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 छुपाते हैं। तुमने तो रेत भी न दी अपनी, हमने पत्थर से दोस्ती दी, रोज एक बुत नया बनाते हैं, मुंसलिक हो गई है उंगलियां लोग अब उठाते हैं। क्या कहने क्या कहने। खालिद खूबसूरत कलाम हमारी समातों की नजर कर रहे थे खालिद मीर, और सिलसिला हमारे सुखन अदबी फोरम का चल रहा है, और हमारे साथ इस वक्त हमारी स्क्रीन जो है वो मौजूद है दुनिया उर्दू के मौतबर हवाले में, हमारा स्टूडियो भी इस वक्त जो है बिल्कुल बराबरी का मुकाबला कर रहा है, और नसीम सैयद आपस में आपकी टीम का और मेरी टीम का मुकाबला है, तो फिर इस मुकाबले में शामिल करते हैं, बल्कि ये मोहब्बतों का मुकाबला है। अल्लाह ताला सलामत रखे, और बात यह है कि जीत कुछ भी हो जीत मौजे सुखन की ही होगी इंशाल्लाह ताला, और ये ऐसी जीत है जो हम सब की जीत है, अल्लाह ताला कायम और दायम रखे। नसरीन आपा हमारे दरमियान मौजूद है, माइक बंद किया हुआ है और लग रहा है कि वो इस वक्त नहीं। शाइस्ता कंवल आली मैं आपसे दरख्वास्त गुजारूँ के कलाम शामिल मुशायरा करें शाइस्ता कंवल आली, और फिर हम इंशाल्लाह ताला नसरीन आपा को समाप्त करेंगे, फिर हम यहाँ फयाज अली फयाज को समाप्त करेंगे, और फिर शाह मलिक और सबिया सुम्बुल को भी समाप्त करेंगे। जलील भाई से भी हमने कलाम सुनना है, जलील भाई की क्या खूबसूरत गजल, अभी तक उसका सैर में हम डूबे हुए हैं, और क्या खूबसूरत उसमें जलील भाई ने कवाफी का इस्तेमाल किया, और क्या खूबसूरत तरन्नुम का जवाब नहीं। आसिफ भाई कह रहे हैं तरन्नुम का जवाब नहीं, मैंने कहा कि जिंदाबाद। सभी सुम्बुल को भी आप सुनेंगे इंशाल्लाह नसीम सैयद। अरे भाई नसीम भाई नसीम भाई एक 10 मिनट के लिए मुझे, मैं भी दोबारा हाजिर हो जाता हूँ, मैं यहीं सुन रहा हूँ। मैं जी जी बिल्कुल जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और बस ये कैमरा आप अपना बंद कर जाइए जलील भाई, और जी कैमरा बंद कर जाए ताकि पीछे का मंजर नजर नहीं आए, और आप बिल्कुल जैसे नसीन आपा गई हुई ना वीडियो बंद करके, इसमें नीचे आ रहा होगा स्टॉप वीडियो। जी मैं देख रहा हूँ। हाँ हाँ मैं कर लूँगा। जी 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 तो जी शाइस्ता कंवल आली शाज मलिक ने भी हमें ज्वाइन किया है फ्रांस से, और इंजीनियर सखी सरमस ने गुलबर्गा शरीफ हिंदुस्तान से ज्वाइन किया है। एक और खूबसूरत माइक और कैमरा बराबर बराबर होगा, आप वो कैमरे पे टच करेंगे ना तो वो ऑफ हो जाएगा, और आपकी बस तस्वीर रह जाएगी। बराबर बराबर होंगे ना दोनों, देखिए आप बना हुआ होगा तो कैमरे पे टच करिए तो वो आप। जी चलो सिलसिले को चलाते हैं, शाइस्ता कंवल आली हमारे साथ मौजूद हैं, और शाइस्ता कंवल आली आपसे मैं दरख्वास्त गुजारूं कि एक गजल आप भी शामिल करें, फिर हम नसीन आपा को समाप्त करेंगे फौरी फौरी, और फिर इंशाल्लाह ताला फयाज अली फयाज भाई को हम समाप्त करेंगे। हमारे मैं इनको प्यार मोहब्बत में लड़का कहता हूँ, और हमारा ये जो नौजवान लड़का है इंशाल्लाह ताला तो आप भाई इनके जाइएगा नहीं, ये असल में मैं डाई करा के हेयर ब्लैक कराता हूँ, ये डाई करा के हेयर
बस हम ही फर्क है और कोई नहीं है। और ये हमारे और बिल्कुल इस वक्त सिगरेट क्यों लगाई हुई मुझे अच्छा मेरा माइक में कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको? जी हाँ आ रही है, आ रही है। अच्छा तो एक एक बार खालिद भाई एक बार ना मैं नाम नहीं ले रहा खाम का बात का इशू बनता है। एक टाइप हमारे इस शहर के बड़ा नाम बहुत हवाला आज भी मतलब अब अल्लाह हुजूर है मगर वो आज भी एक दफा हम नसीराबाद होटल पे बैठे हुए तो वो बिल्कुल वहां से उठ के चले गए और उठ के जब वो चले गए नहीं चल रहा है रास्ता उठ के चले गए ना और सब परेशान हो गए कि क्या हुआ क्या हुआ। 15-20 मिनट बाद वो वापिस आए गली से घूमते हुए हमने कहा अरे भाई कहाँ चले गए थे खैरियत कह लेंगे यार एक मिश्रे की ये गिर गई थी वो ढूंढ नहीं आता। अरे वाह क्या बात है बहुत खूब बहुत खूब तो बात ये होती है मैं बोलूं कि ना बोलूं जी शाइस्ता का बोला जी शाइस्ता का बोला जी बहुत शुक्रिया। ये तीन शेर और उसके बाद फिर छोटी सी एक गजल जमीन के जान लेवा इस सफर में जमीन के जान लेवा इस सफर में मोहब्बत की फकत थी आसमानी जमीन के जान लेवा इस सफर में मोहब्बत की फकत थी आसमानी वफूरे इश्क का चर्चा है बाकी वफूरे इश्क का चर्चा है बाकी मोहब्बत हो चुकी है आजहानी अरे वाह अरे वाह अच्छा है अली अच्छा वो पूरे इश्क का चर्चा है बाकी मोहब्बत हो चुकी है आंजहानी फकत इस वास्ते मैदान छोड़ा फकत इस वास्ते मैदान छोड़ा मेरा दुश्मन नहीं था खानदानी अरे वाह 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 क्या कहने। और अब ये गजल के चांद इशारे जी मुमकिन ही नहीं जुल्म पे यूं दादे जफा दे मुमकिन ही नहीं जुल्म पे यूं दादे जफा दे बिस्मिल है तो कातिल को बला कैसे दुआ दे तू रोजने शुक्रिया तू रोजने दीवार पे पर्दा ही लगा दे क्या बात है पर्दा ही लगा दे अब मुझको तड़पना है मेरा दर्द बढ़ा दे बढ़ा दे क्या बात है शुक्रिया। और वहशत का तकाजा है कि हो और अंधेरा वहशत का तकाजा है कि हो और अंधेरा ऐ रात मोहब्बत की कहकशाएं बुझा दे ए रात मोहब्बत कहकशाएं बुझा दे अरे जाली अपनी जबान के अंदर जबरदस्ती बुन रही हो काफी है हाय बुझा दे काफी है सर जी बहुत बहुत आला बहुत आला ए रात कह ए रात मोहब्बत के तू सब तारे बुझा दे यूं भी हो सकता है मुनसिफ है तो दे जी 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 अता करें मुनसिफ है तो दे इश्क के चुंगल से रिहाई मुजरिम हूँ तो हर जुर्म की ला रैब सजा दे क्या मुनसिफ है तो दे इश्क के चुंगल से रिहाई मुजरिम हूँ तो हर जुर्म की ला रैब सजा दे रहजन है तो पत्थर ही मेरी राह के हटा दे रहजन है तो पत्थर ही मेरी राह के चुरा ले रहबर है तो मंजिल का मरी मुझको पता दे और ए जाने जिगर तुझको मुबारक तेरी दुनिया जाने जिगर तुझको मुबारक तेरी दुनिया लाजम ही नहीं शौक से तू मुझको सदा दे मुमकिन ही नहीं जुल्म पे यूं दादे जफा दे बिस्मिल है तो कातिल को बला कैसे दुआ दे बहुत शुक्रिया सलामत रहे आयशा कमल आली मुबारक तुझे हलवा अल्लाह तू पान मोहब्बत का मुझे एक खिला दे
अरे क्या बात, अरे वाह वाह वाह। मेरी ये बड़ी लाडली चहेती बहन है और ये मेरे ददियाल से हैं और मैं इनको ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप यकीन कीजिएगा। बहुत वफूर, मैं इनको कहता हूँ कि ब्रेक लगा रहा हूँ इनको बहुत बहुत के भाई देखो गजलें कम कहो मगर जल्दबाजी के अंदर नहीं, और बिल्कुल ऐसे, और बिल्कुल ये मेरी बात मानती है और बिल्कुल, और ये दुनिया में किसी का मशवरा नहीं लेती सिवाय मेरे, अगर ये इन्होंने कोई मशवरा लिया है तो मेरा लिया है, मैं ये बात कहता हूँ जो बहुत ही जिसको कहते हैं कि सरफिरी है और बिल्कुल मेरी बहन है। सरफिरी को क्या तारुफ है और अब हम सबका तारुफ है, ऐसा ही है। और अब हम चलते हैं नसीम सईद की जानिब, एक हवाला एक नाम, और मैं पहले ही मैंने कहा था कि आपको जब गुफ्तगु करते हैं तो अदब से निगाहें झुक जाती हैं, जब आपके अशार सुनते हैं तो रूह तक अदब से झुक जाती है, और बहुत खूबसूरत अशार कहती हैं नसीम सैयद, नए नए जाविये। मैं कहता हूँ कि बहुत से लफ्ज ऐसे होते हैं जो आपके मिसरे में आने के बाद फख्र महसूस करते हैं। आइए समाप्त करते हैं नसीम इसमें कोई एतराज की गुंजाइश नहीं है। चलिए पेश करती हूँ, छोटी 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 दो गजलें पेश करती हूँ। दर्द की शिद्दत को पहम बेशो कम करता हुआ, दर्द की शिद्दत को पहम बेशो कम करता हुआ, एक गजाले रंज है सीने में रम करता हुआ, करता हुआ। क्या बात है, दर्द की शिद्दत को पहम बेशो कम करता हुआ, एक गजाले रंज है सीने में रम करता हुआ, क्या बात है। नफ्स चलने का सबब, नब्ज चलने का सबब एक लम्स है मोजिज नुमा, नब्ज चलने का सबब है एक नब्ज चलने का सबब एक लम्स है मोजिज नुमा, सूरह यासीन का माथे पे दम करता हुआ, करता हुआ। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा बहुत उम्दा बहुत उम्दा बहुत उम्दा। आदा, नब्ज चलने का सबब एक लम्स है मोजिस नुमा, सूरह यासीन का माथे पे दम करता हुआ, क्या बात है, क्या बात। और कुछ भी हो हालात, मौसम हो कोई वो हमनवा, क्या कहने, कुछ भी हो हालात मौसम हो कोई वो हमनवा, हर खुशी में खुश है मेरे गम में गम करता, गम करता, क्या कहना, हर खुशी में खुश है मेरे गम में गम करता हुआ, और उसका अंदाजे पशेमानी, उसका अंदाजे पशेमानी था एक अब्रे करम, उसका अंदाजे पशेमानी था एक अब्रे करम, अपने अशकों को मेरे अशकों में जम करता, जम करता, आदा शुक्रिया नवाजिश। उसका अंदाजे पशेमानी था एक अब्रे करम, अपने अशकों को मेरे अशकों में जम करता हुआ, जम करता हुआ। और वो नमू देता है नखले मारिफत को रूह में, वो नमू देता है नखले मारिफत को रूह में, तन का ये जामे सिफाली जामे जम करता हुआ, जामे सिफाली जामे जम करता हुआ। आदा जी पेश कर रही हूँ। वो नमू देता है नखले मारिफत को रूह में,
तन का ये, तन का ये जामे सिफाली, जामे जम करता हुआ। और क्या खबर, क्या खबर नसरीन, उसको देखिए किस रंग में, क्या खबर नसरीन, उसको देखिए किस रंग में, कब करम करता हुआ, कब आंख नम करता हुआ। आदाब, आदाब करता हुआ, कब आंख नम करता हुआ। आदाब, क्या खबर, बहुत शुक्रिया। क्या खबर नसरीन, उसको देखिए किस रंग में, कब करम करता हुआ, कब आंख नम करता हुआ। दर्द की शिद्दत को पहम बेशो कम करता हुआ, एक गजाले रंज है सीने में रम करता हुआ। जी मतलब के बाद वाला शेर आपका, नब्स चलने का सबब एक लम्स है मौजिज़ नुमा, सूरह यासीन का माथे पे दम करता हुआ। आदाब, आदाब, आपकी बातों का बेहद शुक्रिया। और चंद अशारों में फयाज भाई कह रहे हैं दम निकालने वाला मक्का। बहुत नवाजिश, खूबसूरत समातें मयसर हैं तो बहुत खूबसूरत। अच्छा मिश्रा है, सूरह यासीन का माथे पे दम करता हुआ, बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश। मैंने जलील भाई, मैंने एक बात की थी, मैंने कहा कि बहुत से हमारे शोरा कराम ऐसे होते हैं जब वो लफ्ज को भरते हैं तो यकीन कीजिएगा वो लफ्ज वाकई तौर पर अपने आप। गालिब ने कहा था ना कि गंजी न है मानी का तिलस, उसको समझिए जो लफ्ज के गालिब मेरे अशार में आवे। जी जी जी, सिलसिला यही है। और अब हम जो है सिलसिले को आगे की जानी बढ़ाएंगे। फैयाज अली फैयाज हमारे साथ मौजूद है, शहर कराची के एक बहुत खूबसूरत शायर, एक अपना मुनफरिद लहजा, मुनफरिद इस्लूप रखने वाले शायर। और मैं खालिद भाई आवाज लगा रहे हैं कि इन्हें कहो बुजुर्ग शायर, मगर मैं कहता हूँ लड़का। और हमारा ये बिल्कुल नहीं जाइएगा, मोहब्बतें हैं और इस मोहब्बतों का एतबार मुझे हासिल है। मैं अपने शहर के तमाम जो हमारे छोटे या बड़े या हमारे सीनियर शोरा कराम में, यकीन कीजिए इनकी मोहब्बतें हमारे मेरे दिल में धड़क रही हैं, और इसी मोहब्बतों की धड़कन हौसला देती है जो हम मजाक भी कर लेते हैं और ऐसी बातें भी कर लेते हैं, मगर ये बड़े लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं। आइए समाप्त करते हैं फयाज अली फयाज को। फयाज भाई जरा बिल्कुल आपको दावत कलाम दे रहा हूँ, दिल पे ना लीजिएगा। ये दिल की बातें जो है ना नसीम भाई, मैं आपसे बाद में करूंगा। तमाम खूबसूरत समातों को मेरा सलाम। नसीम शेख आपका बहुत शुक्रिया, मुंतजर। मैं अशआर पेश करता हूँ, आता हूँ। गैर मुरद्दा अचार हैं जी, आता हूँ। दुश्मनों से खूब वाकिफ हूँ मगर, दुश्मनों से खूब वाकिफ हूँ मगर, जानिसारों पर भी है मेरी नजर। ये बात खूब वाकिफ हूँ मगर, जानिसारों पर भी है मेरी नजर। और दश्ते जामे बुए गुल रक्षा हुई, जब अचानक मिल गई उनसे नजर। दश्ते जामे हुए गुल, हसी भाई के दश्ते जामे हुए गुल रक्षा हुई, क्या तरतीब है बाबा, उनसे नजर। अपने घर में इस कदर है मसाले, अपने घर में इस कदर है मसाले, कौन देखे घर से बाहर झांक कर। अरे वाह बात है, क्या बात है। अपने घर में इस कदर है मसाले, कौन देखे घर से बाहर। जी जी अता कीजिए।
कि आप क्या लड़ना सिखाएंगे मुझे, आप क्या लड़ना सिखाएंगे मुझे, अपने शर से मैं लड़ा हूँ उम्र भर। अपने शर से मैं लड़ा हूँ उम्र भर, आप क्या लड़ना सिखाएंगे। अरे डबल एतराफ है, हम लड़ा हूँ क्या कहने। शुक्रिया। दो तीन इशारा और, इस जुर्म पे मारा है मुझे जहर पिलाकर। क्या कहने, इस जुर्म पे मारा है मुझे जहर पिलाकर, भाई लोगों को डराता हूँ मैं आईना दिखाकर। मारा है मुझे जहर पिलाकर, लोगों को डराता हूँ मैं आईना दिखाकर। आईना दिखाकर सिर्फ देखिएगा के पलकों पे लरसते हुए बेचैन सितारों, लरसते हुए बेचैन सितारों, खुश हो गए दुनिया को मेरा हाल सुनाकर। दुनिया को मेरा हाल सुनाकर, वाह वाह पलकों पे लरसते हुए बेचैन सितारों, खुश हो गए दुनिया को मेरा हाल सुनाकर। क्या लहजा है। और नसीम भाई इजाजत है जी? जी जरूर जरूर प्याज भाई। और ये है दिल, दोस्तों शाही सुपारी का डब्बा आप तमाम के लिए, शाही सुपारी शाही भाई को दे रहा हूँ आपकी तरफ से। नसीम भाई जी, जी मैं भी पान के इंतजाम में गया था। अच्छा हो गया इंतजाम जी। चलो खाली भाई जरा देखिएगा के चलते हैं जरा, ए दिल जरा देर से निकल गए आप लोगों की बातों में। हाँ आगे कि रहते हैं सदा साथ में दुश्नाम और मलामत, रहते हैं सदा साथ में दुश्नाम और मलामत, भाई हमने तो कभी इश्क को तन्हा नहीं देखा। दुश्नाम और मलामत, हमने तो कभी इश्क को तन्हा नहीं देखा, नहीं देखा। क्या बात है, क्या बात है। दिल जरा चलते हैं किसी बज्मे तरब में, भाई मुद्दत से किसी शख्स को हंसता नहीं देखा। दिल जरा चलते हैं किसी बज्मे तरब में, मुद्दत से किसी शख्स को हस्ता नहीं देखा। पूछे भी तो पूछे भी तो क्या ख्वाब की ताबीर किसी से, क्या कहने। बहुत अच्छे, पूछे भी तो क्या ख्वाब की ताबीर किसी से, भाई हमने तो कोई ख्वाब भी पूरा नहीं देखा। अरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पूछे भी तो क्या कहने भैयाज भाई, क्या कहने। वाह ने तो बहुत अच्छा, पूरा नहीं देखा। और क्यों जाके दरे इश्क, नसीम शेख कि क्यों जाके दरे इश्क पे करते हो जबी खाम, क्यों जाके दरे इश्क पे करते हो जबी खाम, क्या मेरे उजड़ने का तमाशा है। गजल की लवाजिमात के साथ है। बहुत शुक्रिया कि क्यों जाके दरे इश्क पे करते हो जबी खम, क्या मेरे तमाशा नहीं देखा। बहुत बहुत
अब गजल का मतलब पेश करता हूँ। जी अता की आज भाई इजाजत देता हूँ कि घर प्यार से रोका हूँ, घर प्यार से रोका तो ठहर जाएगी खुशबू। आए 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 प्यार से रोका तो ठहर जाएगी खुशबू, वरना तेरे कूचे से गुजर जाएगी। बहुत अच्छा ठहर जाएगी खुशबू, वरना तेरे कूचे से गुजर जाएगी खुशबू। क्या बात है। और इस वास्ते फिरती है ताकुब में तुम्हारे, वास्ते फिरती है ताकुब में तुम्हारे कि छू लेगी जो तुमको तो निखर जाएगी खुशबू। क्या कहने खूबसूरत गजल के शार आ रहे हैं। क्या बात ताकुब में तुम्हारे छूलेगी जो तुमको तो निखर जाए। अरे भाई क्या गजल का शेर है भाई। सुनिए कि जालिम तुझे इस बात का एहसास नहीं है, जालिम तुझे इस बात का एहसास नहीं है, फूलों को जो मसलेगा तो मर जाएगी खुशबू। क्या बात है। बात का एहसास नहीं है, फूलों को जो मसलेगा तो मर जाएगी खुशबू। शेर देखिएगा कि फूलों का लहू जब कभी सहरा में बहेगा, फूलों का लहू जब कभी सहरा में बहेगा, तपते हुए सहरा में बिखर जाएगी खुशबू। तपते हुए सहरा में बिखर जाएगी खुशबू। कासिद तो बना लेता मैं खुशबू को भी, लेकिन कासिद तो बना लेता मैं खुशबू को भी, लेकिन जाकर दरे जाना पे ठहर जाएगी खुशबू। भाई फैयाज भाई बड़े कमाल का शेर। वाह 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 वाह। अरे फैयाज साहब जब सुभान अल्लाह कहते हैं बाबा। बहुत शुक्रिया के कासिद तो बना लेता मैं खुशबू भी, लेकिन जाकर दरे जाना पे ठहर जाएगा। मिल जाए नसीम कि मिल जाए अगर इसको कोई नूर का पैकर। क्या कहना क्या कहना। मिल जाए अगर इसको कोई नूर का पैकर, पल भर में खलाओं से गुजर जाए। मिल जाए अगर इसको कोई नूर का पैकर, पैकर पल भर में खलाओं से गुजर जाए। मिल जाए अगर इसको कोई नूर का पैकर, पल भर में खलाओं से गुजर जाए। सारे मत्था है कि चाहत की तमन्ना में है वो कब से सफर में। चाहत की तमन्ना में है वो कब से सफर में, भाई लगता है कि थक हार के घर जाए। क्या बात है। वो कब से सफर में, लगता है कि थक हार के घर जाएगी घर जाएगी खुशबू। वाह वाह। मुस्तफा की रहमत कि रहता हूँ इसी फिक्र में फैयाज परेशान। हाय 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 हाय। रहता हूँ इसी फिक्र में फैयाज परेशान, भाई बिखर जाएगी खुशबू तो किधर जाए। हाय 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 हाय। बहुत शुक्रिया। वाह वाह फैयाज भाई। ठहर जाएगी खुशबू फैयाज भाई। ठहर जाएगी खुशबू। कासिद तो बना लेता मैं खुशबू को भी, लेकिन हाय हाय हाय। कासिद तो बना लेता मैं खुशबू को भी, लेकिन
जाकर दरे जाना पे ठहर जाएगी। क्या मुरस्सा गजल पेश की, वाह 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 वाह, क्या कहने सुभान अल्लाह, क्या कहने और क्या खूबसूरत मुरस्सा कलाम, खूबसूरत गजल, और यकीनन ये फयाज भाई का खासा और ये इस्लूब और ये लहजा, ये मुनफरिद लहजा है। और हमें हमारी खुशकिस्मती है, यकीन कीजिएगा कि हम जब कहते हैं कि लहजे का शायर इस्लूब का शायर, तो ये लहजे का शायर उसकी जिंदगी होता है और इस्लूब का शायद लफ्जों से उसकी मोहब्बत होता है। और यकीनन ये खूबसूरत लहजा और इस्लूब हमने फयाज भाई की शायरी में देखा, और फयाज भाई की इस खूबसूरत गजल का मैं तोड़ और नैमुल बदल तो कुछ नहीं दे सकता, मगर ये है कि हम आने वाले शायर को रास्ता बनाने के लिए फयाज भाई के कदमों में एक शेर रखना चाहता हूँ, कि खा लेना मेरे खा लेना मेरा पान यही सोच के लड़के, अरे खा लेना मेरा पान यही सोच के लड़के, अशआर की खुशबू भी उतर जाएगी तुझमें। कुछ भी नहीं हूँ, मगर जो मैं थोड़ा बोल लेता हूँ या जो शेर कह लेता हूँ या पढ़ लेता हूँ, ये हमारे जो बड़े हैं, ये हमारे बुजुर्ग, ये हमारे सीनियर, ये हमारे तकलीफ की क्या जरूरत थी, कुछ बोल लेता हूँ। नहीं, ये मोहब्बत है जलील भाई, ये एतमाद है, और यकीन कीजिएगा कि ये एतमाद है मुझ पर, और मैं इसका कर्ज शायद अदा ना कर सकूं, मगर ये मोहब्बत करते हैं, और जितनी मोहब्बत करते हैं और इसी मोहब्बत के तुफैल हम कुछ बोल भी लेते हैं, वरना हमारी मुझे मंजर अयूबी याद आते हैं, और यकीन कीजिएगा कि बाज़ औक़ात घंटों में खामोश हो जाता हूँ। आखिरी मुलाकात सईद भाई आपके घर मंजर भाई से हुई, तो जब मंजर भाई ने मुझे देखा तो एकदम चीखे, अरे निकालना मेरी बंदूक, आ गया नसीम शेख। तो उनको ये लफ्ज कहते, वो एक मुशायरे में मंजर भाई तीन गजलें पढ़ चुके थे, रात के 2 बज रहे थे, और मुशायरा रिजविया सोसाइटी में आपका मुशायरा था, वहां 2 बज रहे थे रात के, और भूख भी लग रही थी तमाम शायरों को ना, अच्छा उसी हाल में उन्होंने पीछे डिनर की लगा दी, और बेहतरीन किस्म का पुलाव की खुशबू महक रही है, और साहिब सदर पढ़ रहे हैं, और सबको पता है कि अब इसके बाद जो है हमने पढ़ना है। तो मंजर भाई पढ़ रहे थे, मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, 3 गजलें मंजर भाई पढ़ चुके थे तहत में, और एकदम तारिक जमील साहब ने ना उकता के ये कहा, मंजर भाई एक गजल तरन्नुम में भी हो जाए। मैं नीचे से खड़ा हुआ, मैंने कहा मंजर भाई कसम खुदा की नहीं पढ़िएगा, झूठ बोल रहे हैं। ये मोहब्बतें थी, यकीन कीजिएगा ये मोहब्बतें थी हमारे ये सीनियर्स ने, और आज और फयाज भाई के पड़ोस में थे मंजर भाई भी, और इसी तरह जाजिब कुरैशी भाई, एक नाम एक अहद एक हवाला, और यकीन कीजिएगा वो फोन करते थे और मुझे ये कहते थे, नसीम शेख तुझसे बात करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। तो ये जाजिब भाई की मोहब्बत थी। इसी तरह हमारे मोहसिन आजम मोहसिन मलियाबादी, यकीन कीजिएगा आखिरी मुलाकात उनसे जब गुफ्तगू हमारी हुई, तो मुझे कहने लगे, यार मेरा दिल चाहता है तुम्हारे पास आने का, मगर सीढ़ियां मैं नहीं चढ़ सकता, उन्होंने कहा। और फिर 4 दिन बाद उनका इंतकाल हो गया, उन्होंने मुझे अपनी किताबें दी थी आखिर में, मोहसिन आजम मोहसिन मलियाबादी ने, यकीन कीजिएगा ये देखे किताबें उनकी, कितनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें मोहसिन भाई ने मुझे दी थी, कि ये ऐसी, और इसमें रुबाइयात की जो किताब है, मोहसिन भाई ने जो काम किया था रुबाइयात पे 14,000 रुबाइयात, मोहसिन आजम मेरे पास भी है रुबाइयात का मजमुआ, वाह 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 वाह, 18,000 रुबाइयात कौन कहेगा। ये है इनकी दिल नशीनो बीनिश, ये देखे कितनी मोटी किताब है, ये देखे मोटी किताब, ये सिर्फ रुबाइयात पे, ये सुभान अल्लाह। और ये वो लोग हैं जो मैं जिक्र कर रहा हूँ, इनकी मोहब्बत हमें हासिल थी, इनका एतमाद हमें हासिल था, मगर हमारे हाथों से निकल गया। अल्लाह ताला जवार रहमत में इन्हें आला से आला मुकाम अता फरमाए। आरिफ शफीक भी एक हमारा बहुत बड़ा नाम था, लियाकत अली आसिम भी हमेशा कहते थे, यार तुम्हें इतने कमेंट्स मिल जाते हैं, हमें कमेंट्स क्यों नहीं मिलते। मैं बोलता था लियाकत भाई आप भी किया करें, ये फेसबुक की दुनिया है। बेशक बेशक। तो लियाकत भाई भी इसी तरह चले गए। सरचार भाई, सरचार सिद्दीकी, एक बड़ा नाम एक बड़ा वाला, आखिरी मुशायरा हमने पढ़ा था गुलिस्तान जौहर में सरचार सिद्दीकी की सदारत में, और वो मुशायरा यादगार मुशायरा भी रहा। फिर उसके बाद सरचार भाई के का इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला जवार रहमत में आला मुकाम अता फरमाए। रसा भाई, क्या नाम था रसा भाई, रसा भाई कितनी मोहब्बत करते थे, और रसा भाई से भी हमारी बहुत मोहब्बतें रही। तो बस अल्लाह ताला जवार रहमत, औरंगी की महफिलें हमें भी याद है। जी 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 जी, औरंगी की महफिलें हमें भी याद है। रसा भाई एक
हाँ मुनीफ अशर मलियाबादी है। आसिफ भाई कह रहे हैं ये आवाज मुनीफ मुनीफ साहब की लग रही है, और मुनीफ साहब से वो बोल रहे हैं कि कुछ असर हुआ या वही लालू खेत की हरकतें हैं। मुनीब अशर मलियाबादी कनाडा जाकर कुछ वो कह रहे हैं, मुनीब अशर मलियाबादी कनाडा जाके कुछ ओवर हुए या वही खलंडड़े के खलंडड़े हैं। अल्लाह ताला सलामत रखे। और अब हम चलेंगे फ्रांस जहां शाज मलिक हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हें समाप्त करेंगे, सभी असुमुल को हम समाप्त करेंगे, इंजीनियर सखी सरमस्ते उन्हें समाप्त करेंगे, और फिर हम जो है आसिफ रजा आसिफ भाई हमारे आज की शाम के जो मैं कहता हूं दूल्हा उन्हें हम समाप्त करेंगे इंशाल्लाह ताला। फिर हम लसीन आपा को भी जलील निजामी को भी समाप्त करेंगे, मोहसिन हमारे मुनीफ मजियाबादी है, इंजीनियर सखी सरमस भी हमारे साथ हैं उन्हें भी समाप्त करेंगे, शाइस्ता कमल अली उन्हें भी समाप्त करेंगे। मैं चाहता हूँ शाज मलिक को समाप्त करना, तसव्वुफ इनकी शायरी में झलकता है, बहुत खूबसूरत मेहनत करती हैं शेर के अंदर, और यकीनन आप समाप्त करेंगे फयाज भाई आसिफ भाई सईद भाई खालिद भाई, तो आपको महसूस होगा कि शायरी इस रंग में भी होती है। शाज मलिक से दरख्वास्त गुजारूं के कलाम शामिल है मुझे। बहुत शुक्रिया, और मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम मुअज्जज मोहतरम सामईन को, शोरा वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम। और मेरी खुशकिस्मती है कि इतने बड़े शोरा के सामने मुझे अपना कलाम पेश करने की मिली, तौफीक मिली, तो सलामत रहिए सब और आपकी इजाजत से। शर के अंदर जुनून होता है, शर के अंदर जुनून होता है, गम बशर के दरून होता है। शर के अंदर जुनून होता है, गम बशर के दरून होता है, याद में रब की डूब कर देखो, जिक्र में ही सुकून होता है। दोबारा पढ़िए शेर, क्या कहने। शर के अंदर जुनून होता है, गम बशर के दरून होता है, याद में रब की डूब कर देखो, जिक्र में ही सुकून होता है। सुकून होता है। और अब एक गजल पेश करती हूँ। कहती जो बात रूह ने कैसे बयां करूं, कहती जो बात रूह ने कैसे बयां करूं, कहती जो बात रूह ने कैसे बयां करें, हम रमज इश्क किस लिए आखिर आया करें। कहती जो बात रूह ने कैसे बयां करें, हम रमज इश्क किस लिए आखिर आया करें, जब आगही मिली है तो फिर जर्फ भी तो हो, जब आगही मिली है तो फिर जर्फ भी तो हो, क्यों ना शऊर ज़ात को थोड़ा रवां करें। जब दिल ही इख्तियार से आगे निकल गया, जब दिल ही इख्तियार से आगे निकल गया, फिर कैसे ख्वाहिशों का ये दफ्तर निहां करें। जब सोच उसकी जात से जाना सकी परे, जब सोच उसकी जात से जाना सकी परे, फिर बात तर के इश्क की काहे यहाँ करें। अरे क्या काहे, बड़ा मजा दे रहा है। वाह वाह वाह। माना के राह जब्त है मुश्किल बहुत मगर, माना के राह जब्त है मुश्किल बहुत मगर, है सब्र आस पास उसे क्या बयां करूं। वाह, खूब इस्तेमाल किया आपने, वो पूरा पहुंचा दिया आपने। वाह वाह बहुत शुक्रिया। जब सोच उसकी जात से जाना सकी परे, फिर बात तर के इश्क की काहे यहाँ करें। वाह क्या। माना कि राह जब्त है मुश्किल बहुत मगर,
है सब्र आस पास उसे क्या बयां करें, ऊंची जो आस दिल की मैं जिंदा ना रह सकी, आस दिल की मैं जिंदा ना रह सकी, तदफीन पूछते हो मेरी अब कहां करें। शुक्रिया। और मगता है कश्ती की फिक्र छोड़ दे एहसास सुन जरा, कश्ती की फिक्र छोड़ दे एहसास सुन जरा, यादों का इस पे क्यों ना हसीं बाद बां करें। जो बात रूह ने कैसे बयां करे, हम रमज़े इश्क किस लिए आखिर आया करे। बहुत शुक्रिया। शाद मलिक, बहुत खूबसूरत कलाम हमारी समातों की नजर कर रही हैं। क्या कहना, क्या कहना। और अब हम चलेंगे अलीगढ़ हिंदुस्तान, जहाँ हमारे साथ सभी सुम्बुल मौजूद हैं। और क्या खूबसूरत मुतर्रन्नुम शायरा हमारी बहन सभी सुम्बुल, बहुत ही मेरे घर में आपा मेरे घर में बहुत मशहूर है, मेरे घर में बहुत मशहूर है। और जब मेरी छोटी बेटी इनके लहजे में मुझसे बात करती है तो कहती है सभी आंटी को तो सभी फुप्पो को तो आप वाह वाह करते हो, मुझे घाट रहे हैं। अरे नसीम भाई, नजीम भाई, बस मैं पुराना ही कलाम लेके बैठी हूँ, मैं सोच रही हूँ बस वो सुना देती हूँ, कोशिश करती हूँ तरन्नुम से। वैसे ऐसा ही है हाल, चलिए लेकिन कोशिश करती हूँ थोड़ा सा सुनाने की। मैं समाप्त करें जी। दीदावरों में कोई न जलवा घरों में है, दीदावरों में कोई न जलवा घरों में है, दीदावरों में कोई न जलवा घरों में है, जो बेहुनर है आज के दानिश्वरों में है, हुनर है आज के बहुत शुक्रिया नवाजिश है, वाह वाह नवाजिश, बहुत शुक्रिया। और ये शेर, हर लम्हा रहा है नई रुत लिए हुए, हर लम्हा रहा है नई रुत लिए हुए, हर लम्हा रहा है नई रुत लिए हुए, क्यों आज तक तू गुजरे हुए मंजरों में है, क्यों आज तक तू गुजरे हुए मंजरों में है, दीदावरों में कोई न जलवा घरों में है, जो बेहुनर है आज के दानिश्वरों में है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सभी। और ये शेर, चेहरे हैं पुरखुलूस दिलों में कदूरतें, चेहरे हैं पुरखुलूस दिलों में कदूरतें, चेहरे हैं पुरखुलूस दिलों में कदूरतें, गलियों में रोशनी है अंधेरा घरों में है, अरे वाह, गलियों में रोशनी है अंधेरा घरों में है, गलियों में रोशनी है अंधेरा घरों में है, दीदावरों में कोई न जलवा घरों में है। क्या बात है, क्या बात। और ये शेर आपके खूबसूरत समातों की नजर, सदियों से था जो खुद ही तमाशा बना हुआ, सदियों से था जो खुद ही तमाशा बना हुआ,
सदियों से था जो खुद ही तमाशा बना हुआ, अब उसका नाम भी तो तमाशागरों में, अब उसका बहुत शुक्रिया बहुत सदियों से था जो खुद ही तमाशा बना हुआ, अब उसका नाम भी तो तमाशा घरों में है, दीदावरों में कोई न जलवा घरों में है। और ये शेर बस आप लोग समझ जाएंगे जब सुनेंगे, और तो हर तरफ जा सकता है, आपकी तरफ भी जा सकता है, हमारी तरफ तो है तो इसलिए हाकिम था शहरे संग दिला का जो कल तलक, हाकिम था शहरे संग दिला का जो कल तलक, हाकिम था शहरे संग दिला का जो कल तलक, चोला बदल के आज वो शीशा घरों में, चोला बदल के आज वो शीशा घरों में है, चोला बदल के आज वो शीशा घरों में है, दीदावरों में कोई न जलवा घरों में है। और मैं मक्ता पेश करती हूँ, समाप्त करें मक्ता पर। नहीं नहीं मैं एक और शेर सरे बल्कि अभी हैं इसमें एक एक दो शेर मैं सुनाती हूँ। परवाज जिसकी अहले फलक भी न पा सके, परवाज जिसकी अहले फलक भी न पा सके, परवाज जिसकी अहले फलक भी न पा सके, अफसोस वो भी आज शक्स्ता परों में है, अफसोस वो भी आज शक्स्ता परों में है, दीदावरों में कोई न जलवा घरों में है, जो बेहुनर है आज के दानिश्वरों में है। और ये सरे मक्ता में पेश कर रही हूँ एक शेर और, खुश हो रहे हो देख के जिसको मुसविरो, खुश हो रहे हो देख के जिसको मुसविरो, खुश हो रहे हो देख के जिसको मुसविरो, सुर्खी मेरे लबों की भी उन मंजरों में है, सुर्खी मेरे लबों की भी उन मंजरों में है, दीदावरों में कोई न जलवा घरों में है, जो बेहुनर है आज के दानिश्वरों में है। अब मैं मक्ता पेश करती हूँ। तय कर रहा था राह जो बैसाखियां लिए, तय कर रहा था राह जो बैसाखियां लिए, तय कर रहा था राह जो बैसाखियां लिए, सुंबुल शुमार उसका भी अब रहबरों में है, सुंबुल शुमार उसका भी अब रहबरों में है, सुंबुल शुमार उसका भी अब रहबरों में, दीदावरों में कोई न जलवा घरों में है, जो बेहुनर है आज के दानिश्वरों में है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये इस गजल का तो उन्वान होना चाहिए रूप बहरूप,
क्या कहें आप जो चाहे रखें। सभिया वो एक शेर दोबारा पढ़ दीजिए, वो अंधेरा घरों में है। बहुत खूब, गलियों में रोशनी है अंधेरा घरों में। अंधेरा, वाह वाह वाह, क्या था, मैं तो मेरे शेर कहा है, वाह। गलियों में रोशनी है अंधेरा, क्या शेर था, मैं तो भूल भी गई, लीजिए। ज़हन से स्लिप कर जाते हैं, फौरन ही मैंने बंद भी कर दिया उसको। होता यही है, कल भी एक ऐसी फरमाई आई थी, मुनीब भाई ने कल का मुद्दा लिया, हमने मुनीब भाई ने शेर सुना के किताब बंद कर दी, और हमने जब देखा किताब बंद, मैं ऐसे ही सुनाती हूँ, याद आ गया। चेहरे है पुरखुलूस, चेहरे है पुरखुलूस, दिलों में कदूरती, चेहरे है पुरखुलूस, दिलों में कदूरते, गलियों में रोशनी है अंधेरा घरों में है, गलियों में रोशनी है अंधेरा घरों में है, दीदारों में कोई न जलवा घरों में है, जो बेहुनर है आज के दानिशवरों में है। जी बहुत शुक्रिया। और अब तरीकाकार ये है कि हम समाप्त करेंगे, हमारे साथ आसिफ रजा भी, रिजवी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आज की शाम मना रहे हैं हम आसिफ भाई के साथ, तो सिलसिला यूं करेंगे कि हमें इंजीनियर सखी सरमस को भी समाप्त करना है, और सैयद मुनी वशद मलियाबादी को समाप्त करना है, और हमारे आज की मजलिस सदारत में नसरीन सैयद और जलील निजामी भाई दोनों आज की मजलिस सदारत में मौजूद हैं। तो हम सिलसिले को हम इस तरह करेंगे, कोई फोन कॉल आ रही है, और तो ये निगार नाज हमें फोन कर रही है। निगार, आज का हमारा मुशायरा जो है वो मखसूस अहबाब के लिए हमने आवेदा किया हुआ था, उसमें जो गैर हाजिर है वो गैर हाजिर हुए, आप किसी और को ले नहीं सकते, आप फिर किसी और दिन आइएगा, आपको शामिल करेंगे। निगार आज दिल्ली से हमें फोन कर रही हैं, तो बहरहाल सिलसिले को हम चलाएंगे, और इंजीनियर सफी सरमस हमारे साथ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा इंजीनियर सफी सरमस को समाप्त करना, सैयद मुनीब अशद मलियाबादी को समाप्त करना, फिर आसिफ रजा मीर, आसिफ रजा रिजवी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर शायद हमारे बहुत खूबसूरत बोले, आज की शाम हम उनके साथ बना रहे हैं, फिर हम दूर की जानब पढ़ेंगे और अपने इशारे का इख्तिताम करेंगे। मेरा ख्याल है कि आज ऐसा ही हम करते हैं, और 2:22 की हमारी नशरियात हो चुकी है, और फिर इंशाल्लाह ताला हम, क्योंकि जश्न हमारा चल रहा है, 10 जश्न आज छठा दिन है, और फिर हम सिलसिले को चलाते रहेंगे। तो इंजीनियर सखी सरमस गुलबर्गा शरीफ हिंदुस्तान से एक और खूबसूरत तरन्नुम, बहुत खूबसूरत वो तरन्नुम शायद हमारे साथ मौजूद है, इंजीनियर सखी सरमस, फयाज भाई, आसिफ भाई, खालिद भाई, सईद भाई, देखिएगा समाप्त कीजिएगा इंजीनियर सखी सरमस को। जी सखी भाई, السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته یہ ان کی نظر کا اثر دیکھتے ہیں یہ ان کی نظر کا اثر دیکھتے ہیں ہمیں آپ جو باہنر دیکھتے ہیں ہمیں آپ جو باہنر دیکھتے ہیں بہت شکریہ देखिए कोई उन सलाखों में देखा नहीं है वाह कोई उन सलाखों में देखा नहीं है ये दुनिया में सब ढूंढ कर देखते हैं
ये दुनिया में सब ढूंढ कर देखते हैं, बहुत शुक्रिया, सदा उनके चेहरे से पाकर जियाए, सदा उनके चेहरे से पाकर जियाए, चमकते ये शम्सो खमर देखते हैं, चमकते ये शम्सो खमर देखते हैं। शेर देखिए, बहुत शुक्रिया। कठिन रास्तों की भी परवाह नहीं है, कठिन रास्तों की भी परवाह नहीं है, उन्हें साथ जो हम सफर देखते हैं, उन्हें साथ जो हम सफर देखते हैं। बहुत शुक्रिया। फिर देखिए, कोई मिल ही जाएगी ताबीर हमको, कोई मिल ही जाएगी ताबीर हमको, हसी ख्वाब जो रात भर देखते हैं, हसी ख्वाब जो रात भर देखते हैं। इसे देखिए, किसी से भी हम दोस्ती से भी पहले, किसी से भी हम दोस्ती से भी पहले, वो कितना है अब मोतबर देखते हैं, कितना है अब मोतबर देखते हैं। बहुत शुक्रिया। जिन्हें था गुरूर तकब्बुर हमेशा, जिन्हें था गुरूर तकब्बुर हमेशा, गिरा उनका कदमों में सर देखते हैं, गिरा उनका कदमों में सर देखते हैं। बहुत शुक्रिया। सरे मख्ता शेर समाज फरमाए, मिला दर्स हमको सदा आजजी का, मिला दर्स हमको सदा आजजी का, फलों से लुदे जब शजर देखते हैं, फलों से लुदे जब शजर देखते हैं। मुख्ता मुनाजा फरमाए, अता हमेशा का जीना तो है आखिरत का, हमेशा का जीना तो है आखिरत का,
جہاں کو سخی مختصر دیکھتے ہیں جہاں کو سخی مختصر دیکھتے ہیں یہ ان کی نظر کا اثر دیکھتے ہیں ہمیں آپ جو باہنر دیکھتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ بہت نواز شکریہ نواز اور بہت خوبصورت اور دوستو ہمارے ساتھ جاوید احمد خان جاوید مہاراشٹر ہندوستان سے جڑنا چاہ رہے ہیں بار بار کنیکٹ نہیں ہو پا رہے ہیں تو جاوید بھائی ان شاء اللہ تعالیٰ کل آپ کو ہم سماعت کریں گے اور کیونکہ اس وقت اسٹوڈیو میں بھی ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں اور ہم نے یہاں بھی ہم ایک ہی راؤنڈ چلا رہے ہیں اور ہم جو ہیں صاحب صدور تک بھی پہنچنے والے ہیں لہٰذا آپ سے رابطہ ہمارا منقطع بار بار ہو رہا ہے تو آپ جو ہیں کل ان شاء اللہ تعالیٰ آپ شامل ہوئیے گا کل آپ کو ہم دل کھول کے سماعت کریں گے اور اب ہم چلتے ہیں سید منیف اشعر ملیح آبادی کی جانب ان سے درخواست گزار کے کلام شامل مشاعرہ کریں پھر اس کے بعد ہم سید آصف رضا رضوی آج کی اس مہمان کے شام کے مہمان اور میں یہ کہتا ہوں اپنی زبان میں کہ آج کی اس بارات کے دولہ سید آصف رضا رضوی ہمارے ساتھ موجود ہے آصف بھائی مسکرا رہے ہیں دولہ ان سے جی بھر کے سننا چاہیے ان سے جی 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 بالکل بالکل پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہم صاحب صدور آج کے جلیل نظامی اور نسرین سید ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں ہم سماعت کریں گے اور پھر ہم اپنے مشاعرے کا اختتام کریں گے سید منیف اشعر ملیح آبادی میں درخواست گزار ہوں منیف بھائی ذرا ہمت پکڑیے گا آپ کے بہت وہ کہہ رہے ہیں کہ لنگوٹیا یار اب آپ کے موجود ہیں جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کچھ اور میں نہیں کہہ رہا میں یہی جاننا چاہتا تھا کہ لالو کھیر سے واقفیت کن صاحب کی ہے کیونکہ اس کو تو تقریباً 45-50 سال گزر گئے ہیں اور شاعری وہیں سے شروع ہوئی تھی ہاں مجھے پتا ہے میں نے یہ مقرر کی تھی شاعری کے لیے لالو کھیت بڑا زرخیز علاقہ ہے جی 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 اس میں کوئی شک نہیں ہے والد صاحب مرحوم کے ہاتھوں اور بڑے بھائی سید حنیف اکبر ملیح آبادی کے ہاتھوں وہیں تربیت ہوئی ہے اور بڑی مشکل سے اجازت ملی تھی کہ ہاں اب تم جا کے مشاعروں میں پڑھ سکتے ہو کیونکہ خاندانی روایات کا بھرم رکھنا ہے مرحوم بڑے بھائی کی تقلید میں کوئی ترنم سے بھی پڑھ دیجیے میں بھیا وہ بس اس سے میں عاجز ہوں ان کا ترنم قیامت کا تھا اور ہمارا ہماری حلق سے وہ آوازیں نہیں صادر ہوتی میں تحت میں ہی پڑھنا مناسب سمجھتا ہوں پیش کرتا ہوں دو غزلوں کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں دیکھیے ایک بہت مختصر سی بہن میں چند اشعار دیکھیے کہ تیرگی دن میں گر نکھر جائے تیرگی دن میں گر نکھر جائے پھر دعا کیا کہ شب گزر جائے تیرگی دن میں گر نکھر جائے پھر دعا کیا کہ شب گزر جائے گر دعا ان کی بے اثر جائے گر دعا ان کی بے اثر جائے پل میں بس زندگی بکھر جائے بے اثر جائے پل میں بس زندگی بکھر جائے اور میرا کیا جرم زاہد ہو مجھ پر میرا کیا جرم زاہد ہو مجھ پر آیت عشق گر اتر جائے کیا بات ہے میں نہ میرا کیا جرم زاہد ہو مجھ پر آیت عشق گر اتر جائے اتر جائے میں نہ چھوڑوں گا اب رہے منصور میں نہ چھوڑوں گا منصور جا رہا ہے گر اتر جائے میں نہ چھوڑوں گا اب رہے منصور جا رہا ہے گھر جا رہا ہے اگر سر جائے اور شعر دیکھیے کہ شاید پسند آئے کہ میں شناور تو ہوں مگر جانا
मैं शनावर तो हूँ मगर जाना मौजे तूफा भी घर बिफर जाए जाना मौजे तूफा भी घर बिफर जाए बिफर जाए जाना है बस अब तो जाना है बस उसी जानिब जाना है बस उसी जानिब जिस तरफ उनकी रह गुजर जाए जानिब जिस तरफ रह गुजर जाए और कट गई उम्र सहते सहते रात क्या बात कट गई उम्र सहते सहते रात भाड़ में अब तेरी सहर जाए रात कट गई रात भाई ये मलियाबाद का शेर हो गया मलियाबाद का शेर हो गया दिलीप भाई बिल्कुल देखिएगा कि सब्र ने वो मजा दिया है कि बस सब्र ने वो मजा दिया है कि बस कौन लेने को अब समर जाए कौन लेने को अब समर दिया है कि बस कौन लेने को अब समर जाए जम गई तेरे हुस्न पर आकर जम गई तेरे हुस्न पर आकर अब कहां मेरी खुश नजर जाए खुश नजर अब कहां मेरी खुश नजर जाए और देखिए शेर देखिए कोई तो कहता सोहनी रुक जा सोहनी रुक जा एक जरिया जरा उतर जाए कोई तो कहता सोहनी रुक जा देख दरिया जरा उतर जाए और शेर देखिए कि कोई शाना ही अपना घर में नहीं कोई शाना ही अपना घर में नहीं चश्मे तर शर्म से न मर जाए कोई शाना ही अपना घर में नहीं शर्म से न मर जाए क्या बात अपने अपने वतन के अहवाल के हवाले से देखिएगा कि भेड़िये मुंतजिर है दर दर पर भेड़िये मुंतजिर है दर दर पर लौट कर कौन अपने घर जाए भेड़िये मुंतजिर है दर दर पर कौन लौट कर कौन अपने घर जाए और वस्त का ख्वाब मार देगा मुझे मार देगा मुझे करके वादा उगर मुकर जाए सरे मख्ता जलील भाई सरे मख्ता गजल का एक शेर देखिएगा गजल का शेर देखिएगा कि मैं उलझ कर भी शाद काम रहूं मैं उलझ कर भी शाद काम रहूं जुल्फे बरहम समझ जाए हाय 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 मैं उलझ कर भी शाद काम रहूं मैं उलझ कर भी शाद काम रहूं जुल्फे बरहम अगर समर जाए मक्ता है कि मैं ही मीना में गर नहीं अशर क्या तवक्को कि जाम भर जाए पीर की दिन में घर निखर जाए फिर दुआ क्या कि शब गुजर जाए क्या कहने सैयद मुनीफ अशर मलियाबादी मैं ये मुनीफ भाई चार मिसरे पहले सुन लें आप फिर उसके बाद हम आपसे सुनेंगे जी जी घर में सोचों से डर गया होता घर में सोचों गया होता कब का मर गया होता क्या बात गरा ना होती मुझ में थोड़ी सी मुनी बचार गरा ना होती मुझ में थोड़ी सी मैं इधर तू उधर गया होता अरे वाह अच्छा
मैं इधर तू उधर गया होता। दिलीप भाई एक एक, एक और गजल के चंद अशआर पेश कर रहा हूं। मतलब देखिएगा कि एक जहन में सवाल था, एक जहन में सवाल था जाने कहां गया। अच्छा, एक जहन में सवाल था जाने कहां गया, जाने कहां गया, जो कुछ भी फिक्र माल था जाने कहां गया, जाने कहां गया। एक जहन में सवाल था जाने कहां गया, जो कुछ भी फिक्र माल था जाने कहां गया, जाने कहां गया। और शायद के शहरियार की पलकों के दरमियान, शहरयार की पलकों के दरमियान एक कतरा मलाल था जाने कहां गया। अच्छा, वाह वाह। शायद के शहरयार की पलकों के दरमियान एक कतरा मलाल था जाने कहां गया, और जो लम्हा दस्तरस में था फतेह मुबीन का। सुभान अल्लाह, क्या बात है। जो लम्हा, क्या बात, जो लम्हा दस्तरस में था फतेह मुबीन का, वाह वाह। एक लम्हा मजाल था जाने कहां गया। अच्छा, वाह वाह। जो लम्हा दस्तरस में था फतेह मुबीन का, एक लम्हा मजाल था जाने कहां गया, और रहता था वो तो आठों पहाड़ सामने मेरे। सुभान अल्लाह, कुछ लोग वाकिफ हैं मेरे गम से। बहरहाल, रहता था वो तो आठों पहाड़ सामने मेरे, खोना उसे महल था जाने कहां। अच्छा, जाने कहां गया। और जख्म को जो तूने दिया तेरी जात से, वाह, उस जख्म को जो तूने दिया तेरी जात से, इम्कान इंदिमाल था जाने कहां गया। जाने कहां, वाह। उस जख्म को जो तूने दिया तेरी जात से, इम्कान इंदिमाल था जाने कहां गया, और अहदे फिराक में भी कहीं दिल के आसपास। क्या कह रहे हैं, अहदे फिराक में भी कहीं दिल के आसपास एक शोभे विशाल था जाने कहां गया। शोभा विशाल, और जलील भाई ये गजल जिस शेर की वजह से हुई है, वो शेर कैसे नाजिल हुआ था जरा देखिएगा इसको, कि उसने कमाल कर दिया हुस्ने सुलूक से। उसने कमाल कर दिया हुस्ने सुलूक से, शीशे में दिल के बाल था जाने कहां गया। उसने कमाल कर दिया हुस्ने सुलूक से, बना लेने का खूबसूरत तरीका। क्या बात है। और पेशावरी मदरसे के शोहदा की ही मिसाल। हमारा एक मदरसा था पेशावर में मिलिट्री के बच्चों का, पेशावरी मदरसे के शोहदा के ही मिसाल, मेरा भी एक लाल था जाने कहां। और मक्ता मक्ता की जमात ने कि अशर के दिल में एक फरेबी से मुंसलिक, अशर के दिल में एक फरेबी से मुंसलिक, एक इश्क का बवाल था जाने जहन में सवाल था जाने कहां गया, जो कुछ भी फिक्र माल था जाने कहां गया। नसीम भाई, जहमत जहमत समाज तमाम। जी, सैयद मुनीब अशर मलियाबादी, और यकीनन मजे सुखन अदबी फोरम के जरिए तमाम मुशारा नंबर 470 बहुत खूबसूरती के साथ चल रहा है और अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। और आज की शाम सैयद आसिफ रजा रिजवी के नाम और इसकी सदारत नसीम सैयद और जलील निजामी मजलिस से सदारत हमने बनाई दोनों करना है। और यकीनन ये हमारा जलील भाई काफी थे। आप तो इमाम है, हम तो मुक्तदी हैं। अरे कोई बात नहीं, कभी कभार जो है ये सिलसिले भी हो जाते हैं। और सिलसिला हम ये चला रहे हैं मौजूद सुबह एक मोतबर अदारा, एक प्लेटफॉर्म, एक ऐसा ड्राइंग रूम है जिसमें हम एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत एहतराम करते हैं, और यकीनन अल्लाह तबारक ताला हमें देख रहा है और वो इसकी नेमतों से हमें नवाज रहा है। इसी वजह से कि हमारी नीयतें साफ हैं। हमारे दरमियान अगर कोई ऐसा शख्स, ऐसा दोस्त आ जाता है जो के बाईस तल्फी बनता है या जिसके मैसेजेस किसी को तकलीफ देते हैं, तो वो खुद समझ ले कि वो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, वरना ये होता है कि हमारी बहनें जो हैं वो परेशान हो जाती हैं। ये किस तरह से आ रही है रात के इस वक्त, यकीनन एक एतमाद है हमारा जो उनके घरों से हासिल है। जैसे अभी सबिया सुंबुल मौजूद थी, मैं जैन भाई की बात कर रहा था, शाइस्ता कंवल मौजूद होती हैं उनकी बात कर रहा था, तो नसीन आपका बैठी हुई है, ये तो कर अल्लाह पाक ने सलामत रखे। शाज मलिक आती है, मैं हमेशा बात करता हूँ मलिक साहब की,
के बहुत ही मोहब्बत करने वाली शख्सियत है, उनका एतमाद है कि ये हमारी बहनें यहाँ आती हैं, सभी आती हैं, सभी खान सभी वो आती हैं, या और भी हमारी खवातीन आती हैं, बहनें आती हैं, हम उनको मान सम्मान इज्जत मर्तबा देते हैं। और मैं ये बात इसलिए करता हूँ कि कुछ चीज़ें हम तक आती हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ ना हो तो बेहतर है। बस कहना जो है थोड़ा सा कहना वो ज़्यादा होता है, इसको समझ लेना बेहतर होता है, वरना बहुत सारी सूरतें हमारी बिगड़ने की यहाँ सूरत बनती है, चपकलीशें होती हैं, रास्ते दूर होते हैं, दूरियाँ बनती हैं, और ऐसी ही बहुत सी चीज़ें हैं हमारे अहबाब की। कुछ दोस्त हमारे साथ थे, इन्हीं हरकतों की वजह से, इन्हीं वजह से हमने उनसे रास्ते दूर रखे, ताल्लुक ख़राब ना किया, बल्कि हमने रास्ते ख़त्म कर लिए। मौजूद सुखन अदबी फोरम एक ऐसा इदारा है जिसमें मैं, यकीन कीजिएगा, कि बिल्कुल इबादत के तौर पर यहाँ बैठता हूँ। मेरी इबादत का मकसद सिर्फ यह है कि अपने सीनियर शुरा कराम का दिल रखना, इस कोरोनाई घुटन ज़्यादा माहौल में उन्हें मुस्कुराहट पहुँचाना, और अपने जो जूनियर हैं, हमारे मुत्तदी हैं, नए सीखने वाले, उन्हें रास्ता देना, ये मेरी इबादत का एक उनसर है। अल्लाह ताला कामयाब करे, फरमाए के कॉल और फेल में यकीनियत पैदा करते हुए कुछ मजबूत कर सकूं। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अब चलते हैं आज की तकरीब के दूल्हा यानी सैयद आसिफ रजा रिज़वी की जानिब। आसिफ भाई मोहब्बत करने वाली शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। आसिफ भाई आपके साथ ही बैठे हुए माशाल्लाह। जी आसिफ भाई की मोहब्बत हमें हासिल है, और यकीनन आसिफ भाई की मोहब्बत ही है। और यकीन कीजिएगा कि आसिफ भाई एक वक्त था कि आसिफ भाई ने बाकायदा तौर पर मुहर्रम में तो आप मुशायरे पढ़ते ही हैं, मगर कोविड के दौरान आसिफ भाई बहुत ज्यादा जो थे वो महदूद हो गए थे, मगर हमारी मोहब्बतों में, सईद भाई की मोहब्बतों में, फयाज भाई की, खालिद भाई की मोहब्बतों में आसिफ भाई मुशायरों में शामिल होते। आसिफ भाई के दौलत खाने पर भी पढ़ने का एहसास हासिल हो चुका है मुझे, आसिफ भाई के दौलत खाने में भी। नसीम भाई, नसीम भाई एक शेर की मुझे इजाजत दीजिए, आपके ड्राइंग रूम को देखकर सूफी औरंगाबादी का एक शेर मुझे याद आ रहा है, हस्बे हाल है मुलाजा करे, कि हम तुम मिले तो किस लिए उठती हैं उंगलियां, हम तुम मिले तो किस लिए उठती हैं उंगलियां, क्या मिलके बैठते नहीं दुनिया में चार लोग। चाय का कप आपके लिए फूल पत्ते भरा, मैं आपको जो है पपीता पेश कर सकता हूँ। चार लोगों पे उंगलियां नहीं उठती, वहां तो दो का मसला था इसलिए उंगलियां उठती। जी तो बस हम चलते हैं, आसिफ रजा भाई हमारे साथ मौजूद हैं, और ये खुश नसीबी हमारी कि आसिफ भाई हमारे साथ मौजूद है, और मैं दावत कलाम दे रहा हूँ। आसिफ भाई जरा सा थोड़ी आवाज तेज ताकि यहाँ माइक से इसका जवाब पहुंच सके। अता फरमाइए आसिफ भाई। अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं आप लोगों की दुआएं, और आप समाज फरमा रहे हैं, मुसलसल समाज फरमा रहे हैं, बहुत सी काफी अरसा, मतलब काफी देर से समाज फरमा रहे हैं, तो चंद अशार की जहमत। अता उजाड़ शहर हैं, वीरा हैं बस्तियां सारी, वीरा हैं बस्तियां सारी, हुई तो अब नई तामीर की बिना रखे, तामीर की बिना रखे, क्या बात है, जो ऐब जुई करे दूसरों की ऐसा शख्स, अरे वाह अरे वाह, कभी तो सामने अपने भी आईना रखे, क्या कहने क्या कहने, वाह 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 वाह, जुई करे दूसरों की ऐसा शख्स, कभी तो क्या कहने, वाह सहने चमन में हफ्स का आलम है इन दिनों, लेकिन नवीदे आमदे बादे सबा भी है, बेशक लेकिन नवीदे आमदे बादे सबा भी है, ला तुकनतु मिन रहमतिल्लाह, आमदे बादे सबा भी है, मुमकिन है कर्ब की ये फजाएं बदल भी जाएं, मुमकिन है कर्ब की
राय बदल भी जाए मुमकिन है लोग सोच ले कोई खुदा भी है। क्या कहने क्या कहने, वाह पढ़िए दोबारा पढ़िए जनाब दोबारा पढ़िए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये फजाएं बदल भी जाए मुमकिन है लोग, क्या ऑप्टिमिस्टिक हो गए वाह। गजल के देखिएगा जरा सा माइक से करीब हो जाए, जरा जोर से बोले और ये क्या मांगते हैं मर्ग में जीने की दुआ, क्या कहने क्या कहने, दुआ मांगते और वादिये मर्ग में जीने की दुआ मांगते, वाह वाह। वो भी शर्मिंदे ताबीर न होगा शायद, वो भी शर्मिंदे ताबीर न होगा शायद, हम जो आंखों के लिए ख्वाब नया बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वाह क्या कहने क्या। वो भी शर्मिंदे ताबीर न होगा शायद, हम जो आंखों के लिए ख्वाब नया मानते हैं। कि कितनी महरूमियां लफ्जों में सिमट आती हैं, चांद को देख के जब लोग दुआ मांगते हैं और सब में होती है किसी चांद से चेहरे की तलब, क्या कहने शब में होती है किसी चांद से चेहरे की तलब, धूप बढ़ती है तो जुल्फों की घटा, धूप बढ़ती है तो जुल्फों की। अरे फयाज भाई आपसे लड़का कुछ देर के लिए ले रहा हूँ, अरे क्या कहने बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वाह वाह। अरे क्या शेर कर दिया, दोबारा आता कीजिए, वाह 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 वाह। जब तक शब में होती है किसी चांद से चेहरे की तलब, वाह वाह वाह। के वक्त क्या आया रजा, मुनीब भाई इरशाद, वक्त क्या आया रजा अपने ही खूनी रिश्ते, हाय 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 हाय, क्या आया रजा अपने ही खूनी रिश्ते, क्या बेहतरीन बीमार के मरने के दो, वाह 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 क्या बात, क्या आया रजा अपने ही खूनी रिश्ते, अपने यही बात है यही बात, वाह वाह हाय हाय, क्या आया रिजा नहीं फूनी रिश्ते, हाय हाय अपने बीमार के मरने की दुआ मांग, क्या कहने क्या कहने, बेशक वाह 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 क्या कहने, वाह 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 बहुत उम्दा गजल, वाह वाह भाई लुत्फ आ गया, ये खूनी रिश्ते होते ही ऐसे ही है, ये नसीम का मौजू है, ये मौजू मेरा पसंदीदा मौजू है, हां बिल्कुल बिल्कुल। नसीम का जी आसिफ भाई जी जी शामिल कीजिए, चलिए
एक पुरानी गजल है इश्क करूं उसकी चंद अशआर जी अता के अपना घर फिर अपना घर है हाय 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 अपना घर फिर अपना घर है फिर अपना घर फिर अपना घर ये समझाए तो हाय अपना घर फिर अपना घर है कोई उसे समझाए तो सुबह का भूला शाम को आखिर लौट के घर आ जाए तो नाम वफा का जब भी आया उनका सितम भी याद आया नाम वफा का जब भी आया उनका सितम भी याद आया ये भी करम है अपने सितम पर वो आखिर शर्माए तो और फिर देखिए हुजूर के गम तो गम को लाख छुपाना चाहा हर कोशिश नाकाम हुई गम को लाख छुपाना चाहा हर कोशिश लब पे तबस्सुम लाखों रक्सां आंख अगर भर आए तो आंख अगर भर आए तो आंख अगर भर आए हुस्न तो ढलती छांव है प्यारे हुस्न पे इतना नाज न कर प्यारे हुस्न पे इतना नाज न कर चांद सा चेहरा रखने वाले चांद अगर गहनाए तो प्यारे हुस्न पे इतना नाज न कर चांद सा चेहरा रखने वाले चांद अगर गहनाए तो चांद सा चेहरा रखने वाले चांद अगर देखिए बीतने वाला हर लम्हा माजी के भंवर में डूब गया क्या कहने क्या कहने वाला माजी के भंवर में डूब गया भाई ऐसे किसी लम्हे में किसी की याद करता पाए तो आए ऐसे किसी लम्हे में किसी की याद अगर तड़ पाए तो और शहरे दिल से तुमने सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए क्या कहने शहरे दिल से तुमने सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए क्या होगी तजदीदे वफा वो लम्हा आ भी जाए तो क्या होगी तजदीदे वफा वाह 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 वो लम्हा आ भी जाए तो क्या होगी तजदीदे वफा वो लम्हा आ भी तो पेश कर रहा हूँ जिक्र से जिसके जल उठते हैं आंखों में अश्कों के दिए जल उठते हैं आंखों में अश्कों के दिए सोचो अगर वो हाश्र बदामा महफिल में आ जाए महफिल में आ जाए तो गम के मख्ता पेश हुजूर के गम के तपते सहरा में भी वजह सुकून बन जाए रजा क्या बात है वाह 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 सहरा में भी वजह सुकून बन जाए रजा ख्वाब की सूरत कोई चेहरा आंखों में बस जाए तो खूबसूरत क्या गजल का अच्छे अच्छे शेर वाह वाह वाह
अपना घर फिर अपना घर है, कोई उसे समझाए तो सुबह का बोला शाम को आखिर लौट के घर आ जाए। एक गजल और समाप्त करें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह जलील भाई को समाप्त करेंगे और नसी नापा को हम इंशाल्लाह। आसिफ लो, आसिफ भाई बोल रहे तरंगम से अच्छा खालिद भाई ना एक चैलेंज करते हैं, एक शेर पढ़ते हैं और वो कहते हैं कि इसका मतलब कोई बताए। अच्छा या इस शेर का एक मिसरे को रिपीट कर दे, खालिद भाई करते हैं। तो मैं आसिफ भाई जब तक गजल निकाल रहे हैं खालिद भाई से मैं चाहूंगा कि वो मिसरा जो है दे देते, फिर हम दोस्त उस मिसरे को रिपीट कर दे। मैं कहता हूँ जी खालिद जी खालिद भाई जरा सामने आके जरा वो मिसरा दोहराइएगा जरा जोर से। मिसरा नहीं है तो पूरा हो रहा है। हजरत जोश के पांच इशारे जिनमें से दो मुझे याद हैं और उर्दू अदब में उस जमाने में दबिस्तार पाकिस्तान में बहस थी कि ये उर्दू की गजल नहीं और हजरत जोश कहते थे नहीं उर्दू की गजल है। अच्छा। तो वो एक शेर में पेश करता हूँ जी, अगर कोई भी रिपीट कर दे तो उसको पाकिस्तान तक का टिकट मेरी तरफ से। ये तो मुखातिब खास लोग हैं, मुखातिब मुझे लगता है। कयाम और क़याम की जिम्मेदारी है मेरी। अच्छा जी साहब चाहिए इसमें गुलबार वाली जी जी। ए बरुख मुस्तफे गुलजारे चरागे हरमे गुंचगिए आया गुलबारियो किरानो बहार, ए बखत मौज रवा बर के तपा सर्व सही शाखे गुले ताजा इलामाने बहार, और बे गुलगुश्त उस कद्दे बालाए फलक ताबे सुखन नाज़े चमन नास को दे इज़्ने खिराम, कि तेरे हिजर में बेकैफ है बेरूह है बेताब है लैलाए शबिस्ताने बहार। बहुत दाद, ढेर सारी दाद आपकी तरफ इसके जवाब तो ये होना चाहिए ना, फिर हम ना ही समझे टिकट तो मिलने से रहा नहीं। अगर अगर रफ्तार किरात को स्लो कर दिया जाए तो मुमकिन है। आराम से भी सुनाऊंगा, रिकॉर्डिंग ना कीजिएगा। नहीं नहीं मेरा ख्याल है मेहमान से सुनते हैं मेहमान से सुनते हैं जी। आसिफ भाई अता हो जी जी। आसिफ भाई उरूजे कम नजर देखा न जाए, हाय 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 हाय, मिश्रा ही काफी है, मिश्रा ही काफी है। वाह 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 वाह, सवाले दीदावर देखा न जाए भाई, नजर तो है मगर देखा न जाए, नजर तो है मगर देखा न जाए, जिधर वो है उधर देखा न जाए। हाय हाय क्यामत से नहीं कम ये क्यामत, क्यामत से नहीं कम ये क्यामत, सकूते बामोदर देखा। बामोदर देखा न जाए, और नहीं ऐसा कोई इंसान जिसको नहीं ऐसा कोई इंसान जिसको मैंने खैर शर देखा, खैर शर देखा न जाए। ये शेर सुनिएगा हुजूर, ये मुमकिन है कि पत्थर आ जाए आंखें, क्या क्या ये मुमकिन है कि पत्थर आ जाए आंखें, किसी को इस कदर देखा मुमकिन है कि पत्थर आ जाए आंखें, किसी को इस कदर देखा न जाए, किसी को इस कदर देखा न जाए, और
कुछ अपने मुल्क के हालात के तहत शादी शेर हो के कोई मंजिल न मंजिल का निशान है, कोई मंजिल न मंजिल का निशान है या अंजाम सफर, कोई मंजिल न मंजिल का निशान है या अंजाम सफर देखा जाए। और इसे देखिएगा, चमन में आ गया है कैसा मौसम, चमन में चमन में आ गया है आए 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 मुकरर मुकरर चमन में आ गया मुकरर नहीं पहुंचा दोबारा पढ़े दोबारा चमन में आ गया कैसा मौसम चमन में आ गया है कैसा मौसम हर एक शख्स आईना तो देखता है हर एक शख्स आईना तो देखता है कमाले शीशा घर देखा क्या कहने कमाले शीशा घर देखा न जाए और किसी घर से उसे क्या होता रुज किसी घर से उसे क्या होता रुज के जिससे अपना घर देखा न जाए घर देखा न जाए। और सारे मक्ता शेर हजूर के ये दुनिया भी अजब दुनिया है यारो ये दुनिया भी अजब दुनिया है यारो किसी को मोतबर क्या बात है दूसरे मिसरे के उरूज का जवाब नहीं क्या बात देखा न जाए और किसी को देखना मुमकिन नहीं है मक्ता के शेर बेजू की किसी को देखना मुमकिन नहीं है रजा खुद को अगर देखा ना जाए सरे मक्ता दोबारा इरशाद फरमाइए हुजूर ये दुनिया भी अजब दुनिया है यारो इसमें इसमें अलमिया देखिए अलमिया दूसरे मिसरे ने जो अलमिया बयान किया बोले वाह 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 दुनिया भी अजब दुनिया है यारो किसी को मोहतबर न जाए किसी को देखना मुमकिन नहीं है रजा खुद को अगर देखा न जाए वाह 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 क्या कहने क्या बात कलाम। और यकीनन ये हमारे जो सीनियर हमारे बुजुर्ग और ये यकीनन हमारे बहुत दोस्त हैं मैं इनको दोस्त कहता हूँ फखर से दोस्त कहता हूँ और यकीनन इन्होंने ये हमें हौसला दिया है यह इनका दस्ते शफकत है जो हमें हौसला देता है सलामत रखे आसिफ भाई क्या जो सलाम और मनकबत की महाफिल होती है वो तो लाजवाब होती है क्या कहने जी बेशक इसमें कोई शक नहीं है। और अब हम जो है साहिब सदर की जानिब बढ़ेंगे मैं पढ़ लेती हूँ पहले जैसे आप दोनों की मर्जी सिक्का उछाल हाँ मैं पढ़ लेती हूँ फिर भाई से फिर ये है कि तरन्नुम से जी ठीक है तो हम नसरीन सैयद कनाडा से हमारे साथ हैं साहिब सुदूर में हमारी आज की जो मजलिस सदारत है उनमें शामिल नसरीन सैयद और कहते भी हैं लेडीज फर्स्ट तो जना जी मैं पेश कर देती हूं बिल्कुल नसीम भाई लेडीज ऑलवेज फर्स्ट एंड लास्ट बहुत शुक्रिया नसीम मैं पेश कर रही हूँ चंदा शार मतलब है खुशा ए दिल अलम की ये फरावानी मुबारक हो खुशा ए दिल अलम की ये फरावानी मुबारक हो अताए इश्क है जो भी परेशानी
मुबारक हो अताए इश्क है जो भी परेशानी मुबारक हो। तुम ही थे ना रिहाई की दुआ देते थे लोगों को। तुम ही थे ना रिहाई की दुआ देते थे लोगों को। सुना है इश्क के तुम भी हो जिंदानी मुबारक हो। तुम ही थे ना रिहाई की दुआ देते थे लोगों को। सुना है इश्क के तुम भी हो जिंदानी मुबारक हो। वो जलवा अक्स है माकूस है खुद आईना है वो। हाय हाय यार कहने अक्स है माकूस है वाह 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 बहुत खूब क्या कहने। वो जलवा अक्स है माकूस है खुद आईना है वो। तहय्युर दिल को आंखों को ये हैरानी मुबारक। अरे क्या कहने बहुत शुक्रिया। वो जलवा अक्स है माकूस है खुद आईना है वो। तहय्युर दिल को आंखों को ये हैरानी मुबारक हो। और चली आई हूँ दुनिया छोड़ कर तेरी गुलामी में। चली आई हूँ दुनिया छोड़ कर तेरी गुलामी में। मेरे दिल की मेरे शाह ये सुल्तानी मुबारक हो। मुबारक हो। नवाजिश। चली आई हूँ दुनिया छोड़ कर तेरी गुलामी में। मेरे दिल की मेरे शाह ये सुल्तानी मुबारक हो। वाह 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 बहुत खूब। और शेर पेश कर रही हूँ। तुझे ए दिल भला बज़्मे तरब से लेना देना क्या। तुझे ए दिल भला बज़्मे तरब से लेना देना क्या। है निस्बत कैस से तुझको बयाबानी मुबारक। क्या बात है। तुझे ए दिल भला बज़्मे तरब से लेना देना क्या। है निस्बत कैसे तुझको बयाबानी मुबारक हो। मुबारक हो। वाह 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 क्या कहने। आदा और कहां का सहल था। शेर पेश कर रही हूँ। कहां का सहल था तस्खीर करना संग को आखिर। कहां का सहल था तस्खीर करना संग को आखिर। आखिर किया है मोम जिसने आंख का पानी मुबारक। कहाँ का सहल था तस्खीर करना संग को आखिर। किया है मोम जिसने आंख का पानी मुबारक हो। हाय 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 हाय। और इसी हंगामे पर मौकूफ है बस जिंदगी अपनी। इसी हंगामे पर मौकूफ है बस जिंदगी अपनी। जो बर्पा की है दिल ने हश्र सामानी। बर्पा का खूबसूरत इस्तेमाल हश्र सामानी के साथ। और नसीम भाई इस गजल में एक खास बात काफिये पे जो तान टूट रही है।
भाई जब ये तान टूटती है तो रदीप बोलती है, चीखती है रदीप, बोलती है तान में टूटती है। जिंदाबाद। इसी हंगामे पर, इसी हंगामे पर मौकूफ है बस जिंदगी अपनी, जो बर्बा की है दिल ने हश्र सामानी। मुबारक हो, मुबारक हो, और शेर पेश करी हूँ। जबान से कब कहा जाता उसे, जबान से कब कहा जाता उसे, हाले दुरू उस पर है खोला जिसने जख्म दिल की उरियानी। मुबारक हो, जबान से कब कहा जाता उसे, हाले दुरू उस पर है खोला जिसने जख्म दिल की उरियानी। मुबारक हो। और सरे मक्ता, खनकती है गजल बागेश्री शिवरंजनी जैसे। वाह 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 वाह, क्या बात है। आप चली गई थी घूमने। ये रागों की आमद कहाँ से हो गई। राग तो अंदर है, अंदर बसते हैं मेरे। खनकती है गजल बागेश्री शिवरंजनी जैसे, है दुनिया रक्स में ये जमजमा खानी। मुबारक, आदाब। खनकती है गजल बागेश्री शिवरंजनी जैसे, है दुनिया रक्स में ये जमजमा खानी। मुबारक हो, मुबारक हो। और मक्ता पेश कर रही हूँ गजल का। हिसार उन बाजुओं का है, हिसार उन बाजुओं का है हिफाजत के लिए नसरीन। हिसार उन बाजुओं का है हिफाजत के लिए नसरीन, मयसर है उन आँखों की निगहबानी। मुबारक, मुबारक हो। मयसर है उन आँखों की निगहबानी। मुबारक हो, आँखों की निगहबानी को बाजुओं से तमसील। वाह वाह वाह, क्या तमसील। अताए इश्क है, अताए इश्क है जो भी परेशानी। मुबारक, मुबारक हो। इस बातों का बेहद शुक्रिया, खूबसूरत समाज। कैसे तुझको बयामानी। मुबारक हो, दोबारा शेर पढ़िए। मुनीफ भाई बहुत तंग करते हैं। जी, तुझे ऐ दिल भला बज़्मे तरफ से लेना देना क्या, है निस्बत कैसे तुझको, तुझको बयाबानी। मुबारक, बहुत धन्यवाद, बहुत मुबारक हो आपको, इतनी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कनाडा से और माजे सुखन अदबी फोरम के जरिए तमाम मुशायरा नंबर 470 जारी और सारी आखिरी शायर आज के मुशायरे के दूसरे सदर यानी जलील निजामी हैदराबाद दक्कन से। शायर खलीज किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एक बड़ा नाम बड़ा हवाला हमारे दरमियान मौजूद। जलील भाई से दरख्वास्त गुजार हूँ कि कलाम शामिल मुशायरा करें, इख्तितामी कलाम, और आप दोनों फैसला करें कि मेरी तारीफ कौन करेगा। मैं तो एक ही बात कहती हूँ, सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं। नहीं, मैंने तो असल में जलील भाई, मैंने तो वो एक जो रस्मी जुमले होते हैं ना, कुछ जी 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 और ये सब फालतू बातें, डायरेक्ट डायरेक्ट बोल दो ना, हमारी तारीफ कौन करेगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी जलील भाई, वक्त आपकी तारीफ का है नसीम भाई। ये हमारी ये बाजी नसरीन के इस खूबसूरत कलाम के बाद तो इसका तकाजा है कि मुशायरा यहीं खत्म कर दिया जाए। नहीं नहीं, नहीं, नहीं आप तरन्नुम सुनेंगे आपसे। लेडीज जीत गई। जी बहरहाल, इतनी खूबसूरत गजल, इतनी मुरस्सा और बड़ा लुत्फ आया। बहरहाल अगर कुछ कमी बेशी हो जाए तो जो है ना बर्दाश्त कर लीजिए, मैं गजल पेश कर। ऐसा कैसे, बस मदे फकर नशाही
क्या कहने मसनद फकर ना शाही अच्छी तू हो राजी तो तबाही अच्छी क्या बात है वाह तबाही अच्छी मसनद फकर नशाही अच्छी मसनद फकर शेर मिला जाओ क्या कहने जी मैं वाह वाह बस लगे इश्क में हर ऐब हुनर क्या बात बस लगे इश्क में हर ऐब हुनर पारसाई से खता ही भाग्यश्री की जितना मतलब जो राग का जिक्र हो पारसाई से खता ही अच्छी मसनद फकर शेर गजल का मुलाजा करें जी अता तीरो खंजर से कटारी से कहीं वाह वाह तीरो खंजर से कटारी से कहीं तेरी दुजदीदा तेरी दुजदीदा निगाही अच्छी तेरी दुजदी और शेर सुने भूली भाई वाह वाह बहुत तुम दाग सीने के दिखाऊं किसको दाग सीने के दिखाऊं किसको किसको लगती है स्याही लगती है स्याही अच्छी किसको लगती और ये भी शायद मुलाजा करें कैसे कातिल है मसीहा कैसे कैसे कातिल है मसीहा कैसे कातिल है मसीहा कैसे जख्म गहरा न गवाही क्या बात है वाह 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 क्या जख्म गहरा न गवाही अच्छी जख्म गहरा
क्या बात है। और ये शेर मुराजा कर, हरचंद के ये कुलिया नहीं है लेकिन शेर मुराजा कर लीजिए जी। अता दुश्मनी उससे, नसीम भाई जी, जी भाई आपकी तवज्जो से पेश कर रहा हूँ शेर। अता कीजिए, अता कीजिए। दुश्मनी उससे पड़ेगी महंगी। क्या बात है। दुश्मनी उससे पड़ेगी महंगी। वाह 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 वाह। जिसने निभाही क्या बात है, क्या कहना। और गजल का आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ मैं, बताओ। उसके पहलू को दिले शायर दे, उसके पहलू को दिले शायर दे, जिसकी सूरत है इलाही। क्या बात है, वाह अच्छी बात है, अच्छी है, क्या गजल कैसी है। बाबा दिल शायर दे, जिसकी सूरत है इलाही। अच्छी जिस, क्या बात, क्या बात है, क्या बात। वाह वाह। खैर ख्वाहों की हिमायत से जली, बाबा। खैर ख्वाहों की हिमायत से जली, नुक्ता चीनों की गवाही। क्या बात है, क्या वाह वाह वाह। चीनों की गवाही, अच्छी मसनद फकर नशाही, अच्छी हो राजी तबाही। और जलील भाई क्या खूबसूरत कलाम, क्या खूबसूरत गजल, और क्या माशाल्लाह। और मौजे सुखन अदबी फोरम के जरिए तमाम मुशायरा नंबर 470 अल्हम्दुलिल्लाह। नसीम में कुछ कहूँ जी? जी आपा जरूर, मेरा तो दिल चाह रहा है। अच्छा, वो अभी जाके आप अपने दोस्तों के कदमों में बैठे हुए थे ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था वो मुझे बिल्कुल। चारों लोग नजर आ रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये आपने बहुत अच्छा काम शुरू किया है, ऐसे ऐसे हीरे चुन चुन के आप लेके आते हैं और हमें उन आमने सामने उनको देखने और उनको सुनने का मौका मिलता है। अब हम जैसे लोग जो इतनी दूर रहते हैं ना, हमारा तो मेन स्ट्रीम से मतलब काफी दूर है ना, हम तो वहाँ की तकरीबात में शिरकत तो हमारे लिए तकरीबन नामुमकिन है। तो ये आपने जो सिलसिला शुरू किया है ना, ये बहुत अच्छा है कि आप लोगों को अपने पास लेके आते हैं, इतने मोतबर शायरों को, ऐसे ऐसे नगीनों को चुन के लाते हैं और उनके इतना अच्छा कलाम उनसे सुनवाते हैं। तो मुझे ये सिलसिला आपका बहुत पसंद है, तो बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत अच्छा आज का मुशायरा। नसीम शेख साहब, आपकी तारीफ जो भी है आज हो रही है, लेकिन वक्त फैसला करेगा सही मानों में। जलील भाई नसीम भाई, मैं इब्तदाई तकरीबन 100 के करीब आपके मुशायरों में
शरीक रहा इब्तदा, शायद जो है ना 50वें से लेके जो है ना वहाँ कुछ के बाद थोड़ा गैप आ गया, लेकिन मैं बिला तामुल एक बात कहना चाह रहा हूँ जो है ना, अगर अगर मुझसे एग्जैजरेशन हो जाए तो मैं माजरत पेशगी, आज की ये महफिल जो है ना आपके सारी महफिलों पे मुझे भारी लगी, मेरी अपनी राय कह रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, इतनी बेहतरीन गजलें, इतना बेहतरीन जो है ना समाते हैं, आज बहुत लुत्फ आया, और जो है ना मैं क्या करूं, जो आपका टेम्पो कहीं जो है ना मतलब गिरा नहीं है, इब्तदा से ताइंतहा सिवाय जो है ना मतलब आखिरी कलाम के, बाकी सब बहुत अच्छा। असल में जलील भाई आज मैंने एक चीज का ख्याल रखा था, ये 470 मुशायरे करने के बाद जो मैंने सीखा है उस पर मैंने आज पहली बार अमल किया, आपने दिल पर पत्थर रखा, आज मैंने बहुत से अहबाब को रोक दिया, शामिल नहीं किया मुशायरे के अंदर, और मैंने वो वजह ये रखी थी कि मैं चाहता था कि हम अपने अहबाब को जो हमारे साथ मौजूद है शुरू से आखिर तक, हम उन्हें बिल्कुल दिल खोल कर सुने और बहुत ज्यादा सुने, और अगर मैं रश यहाँ जरा सा भी लगा लेता तो फिर हम ना उधर के रहते ना इधर के रहते और मजा भी नहीं आता। और तो लिहाजा आपने देखा होगा कि मैंने आज दूसरा राउंड भी नहीं किया, हालांकि पहली बार मैंने ये दिल किया, और शाइस्ता कमल अली हमारी बहन देखे हमारे साथ किस तरह जुड़ी रही, और बहुत से अहबाब जिनके माइक प्रॉब्लम कर रहे थे उन्हें मैंने मैसेज किया कि आप लीव कर जाएं और सुने हमारा प्रोग्राम, यहाँ प्रोग्राम मैं चाह रहा हूँ कि ये प्रोग्राम हमारा एक तारीखी प्रोग्राम बन जाए। अच्छा और एक जो है ना मतलब अनोखी बात ये हुई कि आज मैच में इको नहीं बिल्कुल नजर आया जो कल हजरत आपने जो मुझे फोन पे डांट पिटाई थी उसका भी असर होना था। एक मिनट के लिए, और मैं अब ये चाहता हूँ कि कुछ लफ्ज जो हैं वो आसिफ भाई भी अदा करें, कुछ फयाज भाई जरूर जरूर जरूर, तो आसिफ भाई आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो अब मैं चाहता हूँ कि आप, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि ये माइक जो है ये लेके आसिफ भाई की जानिब बढ़ता हूँ, और आप कुछ कहना चाहते हैं। वाकई हम आप लोगों को सुनकर बड़ी खुशी हुई, और इतना बेहतरीन प्रोग्राम इन्होंने मैनेज किया, और आप लोगों की शिरकत और शमूलियत ने जो है ना इसमें चार चांद लगा दिए, और बहुत खास करके जलील साहब का कलाम और मोहतरमा का कलाम जो है वो बाकी आला दर्जे का कलाम है, और बहुत खूबसूरत गजलें सुनने को मिली, बहुत खूबसूरत कलाम सुनने को मिला, बहुत बहुत आप लोगों की समातों का शुक्रिया, बहुत बहुत जी। और हमारे सफी सरमस भाई क्या खूबसूरत अल्लाह ने तरन्नुम दिया है, और नाथ गो शायर और बहुत खूबसूरत हमारे दोस्त भाई मोहसिन मलियाबादी, ये मुनी वशर भाई तो हमारे अपने घर का हिस्सा है, तो मुनी भाई से तो हमारा मजाक भी ऐसा है, और शाइस्ता कमल आदि, और कराची में मुलाकात रहती है जब भी आते हैं, कराची में प्रोग्राम भी होते हैं साथ भी होते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छे आदमी, बहुत नेक आदमी है। अच्छा मैंने आपा एक ख्वाब देखा था, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक ख्वाब देखा था, आपने मेरे से एक वादा किया था ख्वाब में, और अच्छा? आपने मुझे कहा था नसीम तुम है ना बस तैयारी कर लो, कराची में मुशायरे की मैं आ रही हूँ। आपके ख्वाबों की जिम्मेदारी मुझ पे आयद नहीं होती। क्या बात है इंशाल्लाह जब अल्लाह को मंजूर हुआ बेशक। अल्लाह मियां तो हमें अल्लाह मियां ने बहने दी ऊपर से जालिम बहने दी। नसीम भाई आपके सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे, जरा ये कोरोना की ताबीर को दफा कर दीजिए, अल्लाह खैर करेगा, ऐसे बोल रहे हैं जैसे मेरे डाली है। इंशाल्लाह होगा, वो भी दिन आएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो, और आसिफ रजा साहब की खिदमत में हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद आज की शाम, दाद और दुआएं और मुबारकबाद। क्या उम्दा गजलियात है आसिफ भाई की, क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने। और अब हम चलते हैं फयाज अली फयाज की जानिब, और हमारी बहुत मोहब्बत करने वाली शख्सियत, यकीन कीजिएगा मां है हमारा फयाज भाई के साथ, और मेरा बहुत ज्यादा मजाक भी रहता है, और मजाक इसलिए रहता है कि मैं दिल से चाहता हूँ, और मुझसे ज्यादा हम ये तय नहीं कर पाए कि मोहब्बत कौन ज्यादा करता है किसी से, मैं ये नहीं समझ पाया, और किसी दिन जो है ना मैं भी फिर जो है उस रंग साज के पास जाऊंगा जहाँ से ये रंग करवाते हैं,
यार भाई के लहजे क्या बात, बड़े नर्म लहजा माशाल्लाह, क्या कहने। जसीम भाई मैं आपको क्या बताऊं कि जितनी खुशी इस मशायरे को पढ़कर हो रही है, रूबरू लोगों के मशायरा पढ़ने से इतनी खुशी नहीं होती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि शायर आज आपने जो मुंतखब किए अपने इस महफिल के लिए, वो बहुत ही आला मयार के शायर है। अच्छा, नसरीन सैयद साहिबा की आप किस कदर तारीफें किया करते थे उनकी गिबत में, वो आपकी बातें बिल्कुल सच साबित कर दी है। बहुत खूबसूरत कलाम, तो कमाल ही है, वो तो शायरी खलील है। बहुत उम्दा कलाम पढ़ा, सबने पढ़ा यहाँ हमारे स्टूडियो में, हमारे आसिफ भाई ने भी बहुत उम्दा कलाम सुनाया। आप तो खैर क्या बात है आपकी, हमारे अहमद सईद खान साहब ने बहुत उम्दा कलाम सुनाया। खालिद मीर जो है वो अपनी, खालिद मीर अपनी शिरकत से मशायरे में रंग भर देते हैं, बेशक और मशायरे में जिंदगी पैदा कर देते हैं, हरारत दौड़ने लगती है। बहुत खुशी हुआ। और मैं आपको और अपने तमाम दोस्तों को जो ममालिक दूसरे ममालिक में मौजूद है, मैं उनको बहुत 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 दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो हमने हमें पता चल गया कि वो ना ही है। नसीम बहन, मैं आपसे हम यहाँ कराची में उर्दू की तरवीज की जो कोशिश कर रहे हैं, दुआ करें अल्लाह ताला उसमें हमें कामयाब करे। नसीम भी शामिल है, मेरी बज़्म शेर व सुकन भी शामिल है, तकदीस अदब है, मौजे नसीमी शामिल है। तो इन तमाम का मकसद है कि उर्दू ज़ुबान की तरफ लोगों को रागिब किया जाए, और आप लोगों की शमूलियत इसको और तकवीत देती है। एक सवाल अभी मेरे जहन में बैठे बैठे जाने का आया कि क्या अदबी एतबार से इस तरह के प्रोग्राम का कोई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है या नहीं है? बना रहे ना। इंशाल्लाह बिल्कुल बन जाएगा। आप में से जो भी हमारे बहन भाई पाकिस्तान में आते हैं, किसी भी शहर में आते हैं, वहां तक आ जाएं, कराची हम बुला लेंगे इंशाल्लाह आपके एजाज में। क्योंकि अभी मुझे अंदाजा हुआ कि नसीम बहन हमारी फैसलाबाद से हैं, तो फैसलाबाद तो जरूर आती होंगी। नहीं, कभी नहीं आया, वो बचपन की बात थी, उसके बाद तो पता नहीं शायद 40 साल हो गए हुए वहाँ पे। फिर आप कराची का इरादा कीजिए, हमारी मेहमान बनिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके आने जाने की सब जिम्मेदारी हम लेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। शेर और सुखन की बात है, इंडिया से भी अहबाब है उनको भी। मुनीब भाई का तो कराची में घर है, हम इनके मेहमान होते हैं यहाँ। भाई वाह वाह वाह, क्या बात है आप। आप सबको मेरी तरफ से बहुत 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 मुबारक हो, बहुत मुबारक तबरीक की आपने। और अच्छा लगा आपको देखकर और सुनकर, बहुत अच्छा लगा। और हमारी मोहब्बत करने वाली शख्सियत अहमद सईद खान साहब, और यकीन करें इतनी मोहब्बत करने वाला शख्स मैं बाज औकात ये देखता हूँ, सफर करते हैं ना जब इंसान के साथ तो पता चलता है। मैंने अभी इनकी उसमें भी यही जुमला कहा कि मैं जब सईद भाई के साथ सफर किया, मैंने इतना यकीन कीजिएगा कि तहम्मुल करने वाला, इतना बर्दाश्त करने वाला शख्स मैंने नहीं देखा। आप यकीन कीजिएगा, एक वक्त था कि हमारी गाड़ी से सईद भाई रौनक हयात दरवाजा खोल के उतर के भाग गए मेरी और कैसर वजदी की वजह से, और उन्होंने कहा कि तुम जाहिलों के साथ मैंने 14 घंटे सफर किया, 30 साल का मुताला जीरो हो गया, अब मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा। नसीम भाई हमारे सईद साहब की बर्दाश्त का अंदाजा हमें जोर साहब के मतला उठाने से जो है ना हो गया था। इतना भारी पत्थर आपने उठाया है वो। अहमद सईद खान साहब की जानी पड़ेगी, और अहमद सईद खान साहब से कुछ हम चाहेंगे कि सईद भाई कुछ हमारे लिए कुछ अर्ज करें। और सईद भाई मोहब्बत करने वाली शख्सियत है, और
अर्ज क्यों करेंगे, फरमाएंगे वो। सईद भाई, सईद सईद भाई एक बहुत ही फाल इदारे की कार्रवाई भी सारी उनके जिम्मे है माशाल्लाह, महाना जी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपको, काफी अरसे के बाद आपसे को देखा, आपसे बात हुई, आपके कलाम सुना, आप कलाम सुनाया, और बाकी जितने भी साथी हमारे हमारे साथ मुंसलिक रहे इस प्रोग्राम के दौरान, उनका भी बेहद शुक्रिया, और नसीम शेख का भी बेहद शुक्रिया कि एक इस कॉज को लेकर चल रहे हैं कि ये इस दौर में जो है ना सबको जोड़ के रखे हुए हैं, न सिर्फ शहर को, शहर के मुल्क के बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर भी एक बड़ा काम है ये। और आप लोगों को सुन के बहुत अच्छा लगा, इस वक्त रात का तकरीबन 1:30 बज रहा है यहाँ पर, लेकिन हम लोग अभी भी मौजूद हैं। आप लोगों की मोहब्बत जी, आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों का कलाम माशाल्लाह हमें अच्छा लगा सुन के भी, और आप लोगों को सुना के भी, आप लोग जिसका सिला अल्लाह तबारक ताला ने मुझे ये दिया कि एक आलमी तौर के ऊपर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हम उसको कायम कर लिया हमने, और ये मुशायरे को उसके तसलसल को बरकरार रखते हुए उसके मयार को हमने बरकरार रखा, और यहाँ हमने गुफ्तगू भी की, चेयर पर गुफ्तगू की, महसिन पर गुफ्तगू की, बहुत से अहबाब ने यहाँ सीखा भी, और बहुत से अहबाब यहाँ खफा होकर चले भी गए। बहरहाल हर किसी के लिए रास्ता खुला हुआ भी है, और जाने का भी और आने का भी। हम बशरी तकाजे हैं, गलतियां कोताहियां इंसानों के साथ होती हैं, मैं फिर भी हमेशा यही दौरान नशरियात कोई गलती कोताही खामी कमी कोई ऐसी बात जो आपके दिलों पर घर गुजरी हो तो मैं दस बदस्ता माफी। नसीम भाई मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। नसीम भाई मैं ये करना चाह रहा हूँ कि आज की महफिल तो हकीकत में जैसा कि जलील भाई ने फरमाया, इस कदर खूबसूरत, इस कदर हसीन महफिल कि मजा आ गया, और इसका हर्ज जो है वो महीनों सालों याद रहेगा, क्या कहने। और जहां तक आपका ताल्लुक है, देखिए आपकी तारीफ मुंह पे करना जो है ये तो आम सी बात है, सभी तारीफ करेंगे, लेकिन एक बात बताऊं आपको मैं कि जो काम आप कर रहे हैं वो तारीखी रोयत का इतना बड़ा और अहम काम होगा इंशाल्लाह, वक्त बताएगा, लोग इसको तारीख के तौर पर रकम करेंगे, तब आपको अंदाजा होगा कि आप कितना बड़ा काम कर रहे हैं भाई। आगे असल में हम ऐसी दुनिया के मकीन हैं मुनीब भाई, जुमला है बड़ा प्यारा। देखिए जहाँ तक बुराई, बहुत से लोग आपकी टांगे खींचते हैं, ये पुलिंग लेग जो है ये हमारे माशरे का हिस्सा है, लेकिन एक बात मैं ये अर्ज करूँ के पैगंबरों की भी मुखालफत होती रही है। अल्लाह माफ करे मुनीब भाई, आप सही कह रहे हैं, वो तो जमा नहीं रहे, उंगलियां लोग उठाते हैं हर एक की तरफ, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं उस काम का असर ये पता चलेगा, तो तारीख लिखी जाएगी। मगर मैं एक बात मुनीब भाई यहाँ सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, और इस बात को आगे बढ़ाऊंगा, जलील भाई तक पहुंचेंगे हम, और फिर हम आखिरी कलमात जलील भाई के लेके मुशायरे का इख्तिताम करेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम इस दुनिया के मकीन है, जिस दुनिया में वक्त जब बोलता है तो जिसके बारे में बोलता है वो उस दुनिया से कूच कर चुका होता है, लिहाजा मैं मरना भी नहीं चाहता, मुझे बहुत बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इंजीनियर सखी शर्मा, इंजीनियर सखी शर्मा भी हमारे साथ से मोहब्बत करने वाला हमारा भाई, एक बड़ा इंसान है। सखी भाई आप भी कुछ दो लफ्ज कहें, फिर हम जलील भाई की जानिब बढ़े। जी वाकई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उम्दगी से प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया है, उस पर दिली मसरत होती है कि हमें इतने सीनियर शोरा के साथ हमें बैठ के अपना कलाम सुनना और पढ़ना दोनों नसीब हुआ है, और बिलखसूस नसीम आपा की आपकी कलाम तो वाकई हमेशा सुना करते हैं। इस वक्त आपने जो कलाम सुनाया है और जलील भाई ने जो कलाम पेश किया और हमारे मेहमान शोरा इकराम ने, उसकी तो बात क्या कहनी। जैसा कि अभी जलील भाई ने कहा कि ये तो तमाम हमारे मुशायरों पर जो है हावी है आज का एक मुशायरा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत जिंदाबाद जी जलील भाई। जी सर, शर्मा साहब के जुमले से मुझे ढारस बंधी, वरना जो है ना तो इन्होंने इंडोर्स कर दिया कि जो मेरी बात जो है ना वो भी ऐसे ही महसूस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई, बस ये कि आपकी तारीफ क्या करना, आपकी तारीफ करना
मुशायरे की निजामत करने के बराबर है, बहुत मुश्किल। इसलिए इसलिए अगर खामोश रहूं मैं तो तू ही सब कुछ है, तो कुछ कहा तो ये जलील भाई आपकी मोहब्बत है, आपका एतबार हासिल है, आज के इस मुशायरे की खास नौयत ये है कि मुझे आपके जो मेहमान हजरात का कलाम मुझे पहली मर्तबा सुनने को मिला, खालिद मीर साहब से लेकर जितने भी जो है ना मोहतरम अकाबरीन मौजूद थे, इन्होंने बहुत उम्दा और मुरस्सा कलाम सुनाया। और हमारी जो है आपा के तो क्या कहने, बहरहाल अब तो इनके पहले से ही गिरविदा है, इनकी शायरी के मद्दा है, बाकी जो है ना आप तो आप ही हैं, फिर वही मसला होता है कि फिर जो है निजामत करने वाली बात आ जाती है आपकी तारीफ करना। बहरहाल हमारे मुनीफ भाई हमारे करम फरमा है, आप जो है ना हमारे अजीजों में है, और हमारे सरमद साहब का जो है आज खास तौर पे इनका जो है ना आज पढ़ने का जो अंदाज था और जो इनके आज का इंतखाब था ये बहुत ही समा बांधने वाला जो है ना बड़ा सुरीला जो है ना अंदाज था, तो मुझे आज बहुत बहुत अच्छा लगा। आज यहाँ पर रात के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं हैदराबाद में, लेकिन अल्लाह शायद है कि जो है ना मतलब कोई थकन नहीं है, वरना आमतौर पर जो है एक चूंकि इस मुशायरों में ऑनलाइन मुशायरों में एक प्रॉब्लम ये है कि एक जो है जगह पर आदमी सोफे पर बैठे बैठे तकरीबन 3-4 घंटे जो है ना उगता जाता है, मुशायरों में थोड़ी हरकत होती है इधर उधर, लेकिन एक जगह बैठ कर ये करना, लेकिन इसकी एक खूबसूरत एक पॉजिटिव पहलू ये भी है जो है ना आपा के आप जब पढ़ते हैं तो छोरा की निगाह आपके सामने होती है, मुशायरों में होता है माइक जो है ना मतलब सामने होता है और शोरा पीछे बैठे होते हैं जब वो और आपस में गुफ्तगू करते जी, होते जी, हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल जब पलटते हैं तो वाह 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 वो सुनते नहीं। ये सही बात है, ये सही बात है, बहुत सही फरमाया आपने, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ऑनलाइन मुशायरों की ये खसूसियत है, इसको नसीम भाई ने शुरू किया और ये जो है ना क्रेडिट गोज टू हिम ओनली, और अल्लाह करे के जो है ना आने वाले दिनों में ये यादगार से यादगार और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है ना इसका शुमार हो जाए, और इसके साथ दुआ गो कि अल्लाह ताला जो है ना मतलब मौजे नसीम और मौजे सुखन को जो है दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, आमीन बिजाही सैयद मुरसलीन, आमीन आमीन। और बस आपा मैं तो बिल्कुल आपने मुझे बोलना सिखा दिया, वरना तो मैं बिल्कुल करने वाला शख्स था। आपको बस अब हम मुशायरे का इख्तिताम करते हैं, शाइस्ता कमल आली भी हमारे साथ हैं और बहुत ही खूबसूरत हमारी शख्सियत बहन हमारी, अल्लाह सलामत रखे, और इनके साथ पूरी टीम है, उसको भी मेरी तरफ से मुबारकबाद और दुआएं। नसीन आपा आप चंद जुमले अगर कहना चाहें तो मैं बिल्कुल आपको रोक, मैं बहुत सारे जुमले पहले ही कह चुकी हूँ सब हाजरीन को, मेहमानों को सलाम और बहुत बहुत आदाब उनको, और उनको ढेर सारी दाद ऑफ कोर्स और मुबारकबाद आपको। तो बात बात खत्म हो गई बस जी, बस अब हम सिलसिले को वाइंड अप करते हैं। मौजे सुखन अदबी फोरम के जरिए तमाम मुशायरा नंबर 470 अपने इख्तिताम को पहुंचा। दोस्तों दोहराने लगे कोई गलती कोताही खामी कोई ऐसी बात जो दिलों पर गरम गुजरी हो तो दस बदस्ता माफी का तलबगार हूं। इंशाल्लाह कल रात 9:30 बजे फिर हाजिर होंगे एक और हस्ती मुस्कुराती खिलखिलाती शाम लिए हुए। जब तक अपने मेहरबान नसीब को इजाजत दीजिए, हंसते रहे मुस्कुराते रहे, दुआ के लिए इंजीनियर सखी साहब से दुआ बुलंद करें, بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا طبيبنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمین یا الہ العالمین ہماری خطاؤں کو ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا رب العالمین ہمیں مانگنا نہیں آتا تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں ان دعاؤں کا واسطہ ہم تمام کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما الہ العالمین جو مانگا گیا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ واحبابہ واولیائہ اجمعین
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.